हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू डीएनएस चैनल। मैं आपकी केमिस्ट्री मेंटर प्रियंका मैम। तो यूनिट फर्स्ट हम लोग का स्टार्ट हो चुका है बच्चों, लेक्चर नंबर 1 कंप्लीट हो गया है। पहले तो सबसे पहले आप जाकर उसे देख लीजिए, और सबसे मैं अच्छी बात बताती हूँ कि आप अपना नोट्स बनाए करिए बच्चों। पीडीएफ को ऐसा बिल्कुल मत करिए कि मैं लेक्चर देख लूंगा बाद में उसे पीडीएफ होगा बाद में वो बनाऊंगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं करना है आपको। क्लास में मैं बताती हूँ पॉज करके ही वीडियो में के साथ ही आपको अपना नोट्स कंप्लीट करना है। और मैं ये मान के चलूँ कि आप अपना नोट्स थोड़ा बहुत पढ़ कर आए, क्योंकि विदाउट अपना खाली दिमाग लेकर यहां मत बैठना। क्लास में कभी भी खाली दिमाग नहीं होना चाहिए। क्लास में हाँ कह रहे कि खाली दिमाग का मतलब बाकी चीजें आपके अंदर ना हो, बट पिछले लेक्चर का जो भी मैं पढ़ाई हूं थोड़ा बहुत तो आपको याद होना चाहिए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको इंट्रोडक्शन वगैरह ये सब दे ही दी थी पिछले वाले लेक्चर में, लेक्चर नंबर 1 में, कि हमारा जो इस यूनिट में एक्चुअली में पढ़ना क्या है। इस यूनिट में हम लोग को वीक केमिकल फोर्सेस पढ़ना है, यानी जो आपका जो बॉन्ड बन रहा है एटम्स के बीच, मॉलिक्यूल्स के बीच, तो वो स्ट्रांग भी बन सकता है, वो वीक भी बन सकता है। अब स्ट्रांग वाला कौन कौन सा है? आयनिक बॉन्ड है, कोवेलेंट बॉन्ड है, ये सारा हम लोग स्ट्रांग वाला पढ़े थे। तो वीक वाला बचा हुआ था जिसको हम लोग पढ़ते हैं वैन डेर वाल फोर्सेस। और ये वैन डेर वाल जो फोर्सेस है उसको हम लोग ने स्टार्ट भी कर दिया था। क्या होता है वो? तो मॉलिक्यूल्स के बीच में या अणुओं के बीच में लगने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, लगने वाला आकर्षण बल, इसी को कहते हैं क्या? वैन डेर वाल फोर्सेस। और इसको सबसे पहले जे डी वैन डेर वाल ने खोजा था, इसकी डिस्कवरी की थी, इसलिए उनके नाम पर ही लिया गया। अब देखो जो साइंटिस्ट ने सर्च किया ना या उसके बारे में डिस्कवरी की, सोचा खोजा या इन्वेंशन किया, तो वो अपने नाम पर ही देंगे। और कोई भी रहेगा तो यही करेगा। आप कोई सर्च करेंगे, रिसर्च करेंगे, तो आप जानेंगे ना कि आपको आने वाली पुस्तें वो सब आपको याद रखे। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग उन्हीं के नाम पे बहुत सारे फोर्सेस को पढ़ते हैं। जैसे इसमें आपका आएगा एक आपका लंदन फोर्स। तो अब ऐसा सोचिएगा, क्योंकि वो लंदन में ही खोजा गया था इसलिए उसका नाम लंदन फोर्स पड़ गया। और भी बहुत सारी चीज़ें, तो आपको अलग अलग जो आपके मतलब वैज्ञानिकों के नाम के अकॉर्डिंग आपके टॉपिक्स होंगे, तो आप समझ जाएगा कि वो वैज्ञानिक के नाम के अकॉर्डिंग ही है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज हम लोग लेक्चर नंबर 2 में, मैं आपको पिछले क्लास में ही पढ़ाई हूँ कि हम लोग टाइप्स पढ़ने वाले हैं। टाइप्स यानी प्रकार, हम लोग को वैन डेर वाल फोर्सेस के प्रकार पढ़ना है। ठीक है, चलिए जल्दी से अपना नोट्स पेन कॉपी लेकर बैठ जाइए, साथ में हम लोग पढ़ेंगे और नोट्स भी बनाएंगे। और हाँ, उसके बाद आपको जो पिछला वाला जो आपका लेक्चर, उसको एक बार रिवाइज जरूर करके आएगा बच्चों, मैं बार बार बोलती हूँ। ठीक है, और जो यूनिट 2 वाला था उसका ऑलमोस्ट आई थिंक आपके पास पूरा कंप्लीट हो गया होगा। मैं इसके क्वेश्चन प्रैक्टिस वगैरह करा दी हूँ, तो आप उसको एक बार देख लीजिएगा, और बस उतना आपके लिए सफिशियंट है। जब आपका एग्जाम मतलब पास आने लगेगा, तो हम लोग क्या करेंगे, एक बार उसको फिर से रिवाइज कर लेंगे। ठीक है, तो बस उतना आपको 80% लाने के लिए काफ़ी है। ठीक, अब वो डिपेंड करते कि आप कितना ज़्यादा रिविजन कर रहे हैं। चलिए, तो आज हम लोग पढ़ने क्या वाले, बहुत बेहतरीन वाला टॉपिक है जिसको हम लोग बोलते हैं वैन डेर वाल फोर्सेस, और एकदम नया टॉपिक है। इसके हम लोग अब तक आपने जितना भी पढ़ा है वैन डेर वाल के बारे में, अब हम लोग को यहाँ पे डिटेल में पढ़ना है, क्योंकि हम लोग ग्रेजुएशन में है। ठीक है, तो अब यह देख लेते हैं क्या क्या है इसमें। सबसे पहले टाइप्स ऑफ, तो इसको बहुत सारे प्रकारों में बांटा गया है, बहुत सारे टाइप्स है। ऐसे देखा जाए तो अलग बुक में 10 प्रकार के हैं, किसी बुक में 8 प्रकार, पर आपको मुख्य रूप से कौन सा पढ़ना है, 4 टाइप्स के। तो पहला आपका क्या है, आयन डाइपोल इंटरैक्शन। मैं बार बार बोल रही हूँ आपको, लेक्चर नंबर 1 एक बार देख कर आइए ना, कोई भी डाउट नहीं रहना चाहिए। एक बार मैं फिर से बता दी कि वैन डेर वाल फोर्सेस क्या होता है, मॉलिक्यूल्स के बीच में लगने वाला बल, ऐसे हम लोग बोल सकते हैं कि मान लो ये कोई आपका H2 मॉलिक्यूल है, और ये भी आपका क्या है, H2 मॉलिक्यूल, तो इनके बीच में लगने वाला क्या बल। अब वो H2 की जगह मतलब गैसों के बीच में, जैसे मान लो गैस है, और ऐसा नहीं है गैस ही उसमें आयन आ जाए तो क्या नहीं लगेगा, हाँ लगेगा, पर ध्यान दो मॉलिक्यूल्स के बीच में यानी अणुओं के बीच में लगने वाले बल को क्या बोलते हैं, वैन डेर वाल फोर्सेस। ठीक है, आगे आते हैं। अब इसके प्रकार में लोग देखेंगे, पहला है इसमें आयन डाइपोल इंटरैक्शन। आयन का मतलब, चलिए आइए पहले इसको देख लेते हैं। सबसे पहले आपके दिमाग में जो आयन आया, पहले उस चीज को सोचिए कि आयन बना कैसे होगा। मान लो हम किसको लेकर चले, हीलियम को लेकर चलते हैं, या फिर कुछ और Na को लेकर चलते हैं। तो Na के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, इसके पास से 11। 11 में से हम क्या किए ना, 1 इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दिए। ठीक, तो अब इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 10 इलेक्ट्रॉन। और मैं आपको बताई हूँ कि जो इसका एटॉमिक नंबर होता है, जो इसका परमाणु क्रमांक होता है, ये बताता है कि इतना है आपके पास इलेक्ट्रॉन है और इतना ही प्रोटॉन है। प्रोटॉन का मतलब इतने आपके ऊपर नाभिक के चार्ज है।
यानी इसका बोल सकती है इसके पास पॉजिटिव कितना होगा 11 और इसके पास निगेटिव कितना होगा वो भी 11। तो हमने क्या किया ना, एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दिया, तो क्या हुआ अब इसके पास कितने बच गए 10 इलेक्ट्रॉन, और अब इसके पास वो कितने हैं पॉजिटिव कितना है 11। इसका मतलब पॉजिटिव एक ज्यादा है, एक ज्यादा है तो ये पूरे पे डोमिनेट कर जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल आप अगर क्लास में, जैसे आप कभी कभी सोचते भी होंगे, जैसे मैं सोचती थी अगर क्लास की कोई टॉपर होती थी तो मैं जब कभी सेकंड आती थी ना तो मुझे बहुत गुस्सा आता था, तो मैं बोलती अगर ये लड़की यहाँ नहीं होती तो हम ही फर्स्ट आते, ऐसा होता है ना। तो अगर मान लो इसमें से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया तो अब तो ये सब न्यूट्रल नहीं रहे, पहले न्यूट्रल थे, पहले ही उदासीन थे, क्योंकि पूरा पॉजिटिव पूरा नेगेटिव आपस में एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहा था। बट यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं हुआ, यहाँ पे एक पॉजिटिव ज्यादा है, यहाँ पे क्या है एक पॉजिटिव ज्यादा है। एक अगर पॉजिटिव ज्यादा है इसका मतलब पूरे हमारे परमाणु पे धनावेशित हो जाएगा, यानी वो केटायन जैसा बन जाएगा। या आप अगर परमाणु बना रहे हैं तो इसके ब्रैकेट में बाहर ऐसे करके पॉजिटिव बनाएंगे, जिससे आपको पता चलेगा कि हाँ ये परमाणु कैसा है, पॉजिटिव वाला है। क्लियर है बात? तो इसी तरीके से हम लोग आयन बनाते हैं। अब आयन ये भी हो सकता है, ये क्या बना आपका केटायन, या इसको क्या बोलते हैं धन आयन। अब कभी कभी क्या होता है ना, आपका ऐसा भी हो सकता है अगर मैं क्या करूं इसी Na को एक इलेक्ट्रॉन में दे दूं, एक इलेक्ट्रॉन दे दूंगी तो वो क्या हो जाएगा 11 से 12 हो जाएगा, ठीक। और आपके पास प्रोटॉन कितना हो जाएगा वो तो 11 ही रहेगा, क्योंकि उसमें तो कुछ चेंज नहीं किए हैं, हम लोग इलेक्ट्रॉन और बढ़ा दिए तो 12 हो गया, मतलब निगेटिव चार्ज ज्यादा बढ़ गया। तो उस वजह से आप एटम्स को ऐसे बना सकते हैं, उसके ऊपर निगेटिव चार्ज, और इसको बोलेंगे एनायन। क्लियर है बात? तो केटायन का मतलब धनायन होता है, एनायन का मतलब ऋणायन होता है। तो आप ऐसे समझिए कोई भी परमाणु हो, कोई भी एटम हो, उसके बाहरी कक्षा से यानी आउटर मोस्ट सेल से इलेक्ट्रॉन को बाहर चाहे निकाल दो, चाहे इलेक्ट्रॉन को उसके अंदर डाल दो, तो उसकी वजह से जो भी हमारा धनावेश ऋणावेश बनता है, जो भी केटायन एनायन बनता है, ये दोनों को क्या बोलेंगे आयंस बने हैं। ये सब है क्या आयंस, ठीक। तो अब आपके दिमाग में एक डाउट नहीं आना चाहिए कि आयंस बनते कैसे हैं। चलिए आगे आते हैं, यहां तक तो क्लियर हो गया। अब आयन क्या है, और हाँ ये डाइपोल वाला है, चलिए आइए डाइपोल को पढ़ते हैं। अभी आपको एक मैं टॉपिक भी पढ़ाऊंगी जिसका नाम है क्या डाइपोल मूवमेंट, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और वो आपको एंट्रेंस एग्जाम के अकॉर्डिंग भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये सारे जो आप मान के चलो बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर का जो आपके सिलेबस है ना, एकदम बहुत बढ़िया सिलेबस है। तो आप ऐसा बिल्कुल मत सोचो कि आप ग्रेजुएशन पास कर रहे हैं, अगर आपको ये पूरा टॉपिक या पूरा जो 8 यूनिट है अगर अच्छे से आता है, इसमें जितना ऑर्गेनिक है जितना इनऑर्गेनिक है एकदम बेसिक आपका 100% तैयार हो गया ना, तो वो आपको आगे जरूर काम देगा। आप मुझे आगे जाके जरूर याद करके कि हाँ हमने बहुत अच्छे से उस टॉपिक को पढ़ा था, आज मैं एंट्रेंस एग्जाम में मुझे मतलब क्वालिफाई करने में इजी हुआ। क्योंकि क्या है ना बच्चों, एंट्रेंस एग्जाम में आप जो तैयारी करते हैं ना तो उसमें भी आपको शॉर्टकट पढ़ते, पूरा चीज आप पढ़े रहते शॉर्टकट चीजें चाहिए होती, तो मैं आपको इस तरीके से पढ़ा रही हूँ जहाँ पे शॉर्टकट भी है, थ्योरी भी है, सब कुछ है। तो बस आपको ये नोट्स को प्रॉपर तरीके से बनाना है और अपने पास हमेशा रखना है, बार बार उसे रिवाइज करेंगे, चीजें आपको याद होगा, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आपको चाहे कोई भी एग्जाम हो कॉम्पिटेटिव एग्जाम, तो आप तुरंत क्वालिफाई कर देंगे। क्योंकि देखो पढ़ते तो सारे लोग हैं पर किसी किसी का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता, कोई इस तरीके से सोच रहा है, कोई इस तरीके से सोच रहा है, ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। तो आपको किस तरीके से सोचना है आपका, जब तक एक छोटा से छोटा भी पॉइंट अगर क्लियर है वो रहेगा तो आपके नॉलेज आपका बढ़ेगा, आप चीजों को बहुत अच्छे समझने की कोशिश करेंगे, ये चीज होगा ना। चलो अब हम लोग पढ़ते हैं क्या डाइपोल क्या होता है उसके बारे में समझते हैं। अच्छा इसके नाम से कुछ लग रहा है, डाई का मतलब क्या होता है टू, पोल्स का मतलब ध्रुव, या इसको हम लोग ऐसे बोल सकते हैं द्वि ध्रुव। ध्रुव का मतलब क्या होता है, मतलब कोई पॉजिटिव और कोई निगेटिव, यानी इसको बोल सकते हैं विपरीत ध्रुव का मतलब होता है विपरीत आवेश, या इसको कहते हैं अपोजिट चार्ज। क्लियर है बात? चलो बात तो इस वर्ड से तो क्लियर है, अपोजिट चार्ज, इतना तक तो क्लियर है डाइपोल का ये मतलब होता है। अब आप लोग कहेंगे कि मैम इस डाइपोल का हमारे वॉन्डर वॉल में क्या काम कर रहा है, कुछ ना कुछ तो काम कर रहा होगा। चलो एक एग्जांपल लेते हैं HCl,
एक एग्जांपल है, आपको पता है क्लोरीन किस ग्रुप का है? तो ये आपका हैलोजन वाले ग्रुप का है, और हैलोजन वाले ग्रुप का उस घर की ये कहानी है कि सारे के सारे दुष्ट टाइप के लोग रहते हैं, मतलब फ्लोरीन हो, क्लोरीन हो, ब्रोमीन हो, आयोडीन, सबका इलेक्ट्रॉन छीनना चाहते हैं, इसीलिए उनको अलग कैटेगरी में रखा गया जिसको बोलते हैं हैलोजन्स। ठीक है, तो वो इलेक्ट्रॉन छीनना चाहते हैं, और इस प्रॉपर्टी को, इस गुण को कहा जाता है विद्युत ऋणात्मकता, या इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, क्लियर है? अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, यानी वो हाइड्रोजन के भी इलेक्ट्रॉन खींचने की कोशिश करेगा। हाइड्रोजन बेचारा कमजोर इंसान है, गरीब है, और ये हमारी क्या है जो है ना, तो मंत्री उंत्री होते हैं जो सबके वो पैसे वो कलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, सरकार तो नहीं बोल सकते, उस पर कोई कमेंट नहीं करेंगे हम। चलो, तो यहाँ पे हाइड्रोजन बेचारा कमजोर है, और चलो मानो ये गरीब है या अमीर है, अमीर क्या करे, इससे इलेक्ट्रॉन खींचने की कोशिश कर रहा है। ठीक, ऐसा नहीं कि सारे एक जैसे होते हैं, बस एग्जाम्पल के थ्रू समझना, इसको अदर वे में मत लेना। चलो, अब यहाँ पे क्या होगा, अगर इलेक्ट्रॉन खींचने की कोशिश करेगा तो ये अच्छा खासा इन दोनों के बीच में बॉन्ड बनाता है, इलेक्ट्रॉन यहाँ पर थे, क्योंकि आपको पता है क्लोरीन के पास कितना इलेक्ट्रॉन है, इसके पास इलेक्ट्रॉन टोटल, इसके बाहरी कक्षा में टोटल 7 इलेक्ट्रॉन है, 2, 2, 4, 2, 6, पर अब इसका एक इलेक्ट्रॉन ये बॉन्ड बना लिया, क्योंकि हाइड्रोजन से बोला कि मुझे सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो मेरा ये कंप्लीट हो जाएगा 8, और तुमको तो सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए, तुम्हारा भी कंप्लीट हो जाएगा 2। इसको ये बेचारा कम में खुश रहता है, कहता है हमको 8 नहीं चाहिए, हमको 2 दे दो, काफ़ी है। ठीक है, कुछ लोग कम खाना खाते हैं, कुछ लोग की 2 रोटी में पेट भर जाता है, कुछ लोग 6, 7, 8 भी खा लेते हैं, तो ये अलग अलग बस पेट की बात है, किसका पेट ज़्यादा है कि वो ज़्यादा खाता है। चलो, अब यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन 2 इलेक्ट्रॉन में सेटिस्फाई हो गया, क्लोरीन को 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, दोनों में अच्छी खासी बॉन्डिंग बनी हुई थी, लेकिन क्लोरीन का जो फितरत है वो कभी नहीं बदल सकता। ये क्या कर रहा है ना, कोशिश कर रहा है इससे धीरे धीरे इलेक्ट्रॉन खींचने की, सोच रहा है ना मेरे इलेक्ट्रॉन तो मेरे पास सही है, कहीं इसके भी आ जाए तो और मजा आ जाएगा, तो ये धीरे धीरे इससे इलेक्ट्रॉन खींचने की कोशिश कर रहा है। ये खींचने का जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस जो मैं ऐसे एरो बनाई हूँ, इस चीज को बोलते हैं क्या, इंडक्टिव इफेक्ट। क्या बोलते हैं, इंडक्टिव इफेक्ट, अभी लिखो मत, अभी बस समझो, इंडक्टिव इफेक्ट, या इसको बोलते हैं प्रेरण प्रभाव। आपको कोई प्रेरणा देता है, कोई इंडक्ट करता है, जैसे आप लोग बोलते हो कभी कभी, हम किसी से इंड्यूस हो गए, हम किसी से मोटिवेट हो गए, जैसे जो मोटिवेशनल जो वीडियोस होते हैं वो इसीलिए तो होते हैं आपको मोटिवेट करने के लिए, मतलब आप अगर सो रहे हो तो मोटिवेशनल वीडियो देख लो तो आप उठ जाते हैं, अरे यार पढ़ना चाहिए, लाइफ में कुछ करना चाहिए, ऐसा होता है ना। तो उसी तरीके से क्लोरीन क्या कर रहा है, क्लोरीन के अंदर ये मोटिवेशन है, क्योंकि उसकी आदत ही है इलेक्ट्रॉन खींचने की, इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, तो यहाँ पे एक तरह का इंडक्शन हो रहा है, तो इसी को बोलते हैं इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट का मतलब एक क्या करेगा, थोड़ा बहुत इलेक्ट्रॉन खींचने की कोशिश करेगा। ठीक, अगर इंडक्टिव इफेक्ट आया तो इसकी वजह से ये हाइड्रोजन को हल्का हल्का कैसा वो महसूस होगा, बुरा लगेगा, इसको फील तो होगा ना, बुरा लगेगा, और इसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा, धीरे धीरे इसके पास पैसे बढ़ रहे हैं, इसके पास पैसे घट रहे हैं। अगर पैसा क्या है, इलेक्ट्रॉन अगर घट रहा है तो उसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव, यानी इसके ऊपर हल्का हल्का डेल, इसको क्या बोलते हैं, डेल, डेल या पार्शियल, इसको क्या बोलते हैं, इस बात को याद रखना, पार्शियल, या इसको बोल सकते हैं आंशिक रूप से, मतलब आंशिक क्या होता है, बस थोड़ा सा, ज्यादा नहीं आएगा आंसर, ये कोशिश कर रहा है, कोशिश ही करेगा, पूरा छीन नहीं लेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या, क्योंकि अगर छीन लिया तो इसके क्या बॉन्ड टूट जाएगा, क्योंकि ये बोलेगा हाइड्रोजन का, जब तुम मेरे पैसे पूरे ले ही लिए तो हम लोग बॉन्ड क्यों बनाए, छोड़ दो मुझे, तो यहाँ तो इसके ऊपर आ जाएगा निगेटिव चार्ज। ध्यान देना, पूरे यूनिवर्स में कोई भी अपने ऊपर कोई चार्ज नहीं चाहता, आप चाहते कि आपके ऊपर कोई भी चार्ज लग जाए, चोरी का, डकैती का, मर्डर का, कोई भी चार्ज लग जाए, आप चाहते हैं, बिल्कुल नहीं। तो उसी तरीके से क्लोरीन भी चाहता है मेरे पर कोई चार्ज न लगे। कभी कभी क्या होता है ना कि कुछ लोगों से गलतियां हो जाती है, पर वो सोचते हैं अगर कोई मर्डर कर रहा है तो मर्डर करने के बाद सोचता है कि चार्ज मेरे पर ना लगे, मैं तो मर्डर कर चुका, किसको क्या ही पता चलेगा। तो क्लोरीन भी ऐसे ही सोच रहा है, वो सोच रहा है कि इलेक्ट्रॉन मेरे पास आ जाए लग, लेकिन मेरे पर चार्ज नहीं आना चाहिए, इसीलिए ये इससे बॉन्ड नहीं तोड़ रहा है। ध्यान दो इस बात का, पूरे केमिस्ट्री में देखो ये छोटी छोटी बातें हैं, ये छोटी छोटी बातें मुझे तो पहले बिल्कुल समझ नहीं आती थी, मुझे तो यही समझ में नहीं आता था, बार बार हम लोग के जो प्रोफेसर रहते थे ना, इसको बनाते थे और यहाँ से बॉन्ड को तोड़ देते थे, तो मेरा ये क्वेश्चन था ये ऐसे क्यों नहीं टूट रहा है। तो मेरा तो बहुत दिन तक ये कंफ्यूजन था, मैं पूछ भी नहीं पाई क्योंकि इतने प्रोफेसर थोड़ा सा खड़ूस टाइप के थे, तो मुझे पूछने में भी डर लगता था। तो मैं जब उसके बारे में डिटेल स्टडी की, पढ़ी, बहुत बेसिक से पढ़ी, तब मुझे पता चला कि क्लोरीन क्या होता है, वो इलेक्ट्रॉन किसी को लेने नहीं देगा। एक तो वो खींच रहा, वो कोशिश करेगा कि इसका इलेक्ट्रॉन, अगर मान लो इसके बॉन्ड को तोड़ना है तो इलेक्ट्रॉन लेकर कौन जाएगा, क्लोरीन लेकर जाएगा, क्योंकि क्लोरीन क्या है, पावरफुल इंसान है। ठीक,
आपका, आप जितनी भी कोशिश करिए, अगर आपका झगड़ा या लड़ाई एमएलए से हो जाए, मंत्री से हो जाए, तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे, वही लोग जीतेंगे। ठीक है, चलो। तो यहाँ पे क्या होगा, हाइड्रोजन और क्लोरीन है। अब इसके ऊपर हल्का हल्का पॉजिटिव चार्ज आ गया, ध्यान समझो, इसके ऊपर हल्का हल्का क्या आएगा, निगेटिव चार्ज। इतने में ये खुश है, कह रहा है कि ठीक है थोड़ा सा एलिगेशन है सह लेंगे, लेकिन पूरा चार्ज नहीं आना चाहिए हमारे ऊपर, ये है। तो इस तरीके से एक पहले ये HCl ऐसा था, इसको हम लोग सर्कल में बनाते हैं। क्या इस मॉलिक्यूल या, क्योंकि HCl है ना दो परमाणुओं से मिलकर बना है, तो मॉलिक्यूल या अणु बोलेंगे इसको, क्या इसके ऊपर कोई चार्ज है? तो इसको हम लोग बोलेंगे इसके इसके पास, इसके यहाँ पे और इसके यहाँ पे कोई भी विपरीत आवेश, कोई भी अपोजिट चार्ज नहीं है। अब इसको बना के चेक करो, इसको बना के चेक करो, आपको लग रहा है कि हल्का हल्का निगेटिव चार्ज यहाँ पे, पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे, यानी यहाँ पे एक द्वि ध्रुव बन रहा है। ध्रुव है ना ये दोनों, अरे भाई ग्लोब पढ़ते हैं ना हम लोग, जब हम लोग ग्लोब पढ़ते हैं तो आपको पोलर आता है, पोलर रीजन ऐसे वाला, ऐसे वाला, यहाँ यहाँ ये इक्वेटर है, यहाँ वाला ये पोल है ना। तो इसी तरीके पोल का मतलब होता है कि ध्रुव, द्वि ध्रुव, और ये दोनों ध्रुव बन गए, और दोनों ध्रुव में कैसा है, विपरीत आवेश है। देखो यहाँ पे निगेटिव, यहाँ पॉजिटिव, तो एक तरह का ध्रुव बन गया, इसको बोलते हैं डाइपोल, सॉरी हाँ इसी को बोलते हैं, अभी मूवमेंट की बात नहीं करेंगे, मेरे मुंह से निकलने वाला था डाइपोल मूवमेंट, वो तो आगे हम लोग पढ़ेंगे, पहले समझ लो डाइपोल क्या होता है। तो डाइपोल यानी दो ध्रुव यहाँ पे बन गया, पहले नहीं बना था पर इस क्लोरीन की वजह से यही सब काम हुआ है। ठीक है, ये बन गया, आगे चले, आगे चले, डाइपोल समझ में आ गया, आयन समझ में आ गया। अब आते हैं अपने टॉपिक पर, इन दोनों के बीच में कुछ ना कुछ इंटरेक्शन हो रहा है, कुछ ना कुछ खिचड़ी पक रही है। अब चलो हम लोग इसको पढ़ते हैं कि क्या है ये, इतने सारे वर्ड्स है, सब मैं एक एक वर्ड आपको क्लियर कराऊंगा, टेंशन मत लो, बस आपको ध्यान देना है। इस वक्त आपका ध्यान यहाँ से हटना नहीं चाहिए, बी अटेंशन। ठीक है, एन आयन डाइपोल इंटरेक्शन बोल रहा है, एक आपका आयन होगा और एक आपका डाइपोल होगा। चलो इसको समझते फिगर से थोड़ा सा, कहाँ गया, चलो ये मान लो आयन है, क्योंकि देखो इसके ऊपर निगेटिव चार्ज है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो आयन तो कुछ भी हो सकता है ना, धनावेशित भी हो सकता है, ऋणावेशित भी हो सकता है, एनायन भी, केटायन भी, क्लियर है? तो और ये हमारा पोलर है, पोलर का मतलब आपको पता है कि पोलर जो भी हम लोग डाइपोल बनाए हैं उसमें पूरा चार्ज नहीं बनेगा, पार्शियल चार्ज, यानी इसको बोलते हैं डेल चार्ज। ठीक है, यहाँ पे डेल्टा वो निगेटिव बना है, यहाँ पॉजिटिव, यहाँ निगेटिव, यहाँ पॉजिटिव, चलो मान लो बन गया। मान लो कि ये आपका क्या है, किसी और पेन से बनाए, मान लो यहाँ पे आपका क्लोरीन है और यहाँ पे आपका हाइड्रोजन है, इसमें चेक करो, यहाँ हाइड्रोजन है, यहाँ क्लोरीन है। अब आप लोग बोलेंगे कि मैम इसको क्लोरीन को यहाँ, क्योंकि ध्यान से देखो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव नहीं पार्शियली नेगेटिव चार्ज है, पार्शियली नेगेटिव चार्ज हमेशा क्लोरीन पे ही होगा, हाइड्रोजन पे नहीं। जब तक हाइड्रोजन से ज्यादा पावरफुल कोई नहीं है तब तक हाइड्रोजन की हिम्मत ही नहीं कि वो इलेक्ट्रॉन लेकर चला जाए। अगर उससे कोई भी कमजोर आ गया, जैसे कोई धातु आ गया, तब बोलेगा हाइड्रोजन, थोड़ा सा अपने ऊपर थोड़ा प्राउड फील करेगा, कॉन्फिडेंट आएगा उसके ऊपर कि हाँ भाई हम भी कुछ कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आपके आपके सामने कोई पावरफुल इंसान है तो आप हमेशा वीक फील करेंगे, बट आपसे कोई लोअर वाला आ गया तो आप वहां पे स्ट्रांग फील करते हैं। ठीक है, ऐसा होता है ना। चलो यहाँ समझ में आ गया, ये आपका आयन है, ये आपका, चलो आयन में कुछ भी बना देते हैं, आयन में मान लो क्या बना दे, क्या बना दे, क्लोरीन बना दे, और केटायन में क्या बना दे, केटायन में चलो मान लो Na बना दे, कुछ भी बना दो, कोई भी आयन बना दो। ठीक है, ध्यान दो, वैसे उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए, मान लो ये है, तो वो ये सोडियम क्या करेगा, क्लोरीन के पास जाने की कोशिश करेगा, क्योंकि इन दोनों, ये दोनों क्या है, विपरीत आवेश है। ठीक, Na क्या है और ये क्या है, अपोजिट चार्ज, और आपको पता है जो भी अपोजिट होता है उसके बीच में अट्रैक्शन फोर्स काम करता है, इन दोनों के बीच में क्या काम कर रहा है, अट्रैक्शन फोर्स। एक बात मैं ध्यान से बता दूं, वॉन्डर वॉल फोर्स से डिस्टेंस पे डिपेंड करता है, डिस्टेंस अगर बढ़ा दिए तो खत्म, अगर यहाँ पर है तो थोड़ा अट्रैक्शन, यहाँ है तो थोड़ा, यहाँ आ गया तो बहुत ज्यादा अट्रैक्शन, इतना पास नहीं करना क्योंकि इन दोनों में के बीच में झगड़ा होने लगेगा, तो थोड़ा दूर दो। जैसे नहीं बोलते एक ही घर में बहुत सारे लोग रहते हैं तो झगड़ा होना तय है, वही अब घर वाले थोड़े से अलग अलग हो जाए, अलग बड़ी मम्मी वहाँ चल जाए, बुआ यहाँ चल जाए, ऐसे ऐसे, तो उनके घर जाते तो बहुत अच्छा फील होता है क्योंकि आप बहुत दिन बाद मिल रहे हैं, तो झगड़ा होता ही नहीं है, प्यार ही रहता है उन दोनों के बीच में। चलो ठीक, तो ये क्या है, अपोजिट चार्ज, दो लोगों के बीच में अपोजिट चार्ज, ये देखो। तो यहाँ पे एक हमको एक इंटरैक्शन मिल रहा है, वो कौन सा है, अट्रैक्शन फोर्स। क्या है वो, अट्रैक्शन फोर्स। एक मिनट बच्चों, एक मिनट।
क्लियर है बात? आगे चलें, अट्रैक्शन फोर्स। तो आपको पता है ये डाइपोल और क्या है, डाइपोल और आयंस के बीच में, यहाँ यहाँ पर डैश आएगा, डाइपोल और आयंस के बीच में कुछ नहीं है, एक आपका आयन है एक आपका डाइपोल है। इन दोनों का, डाइपोल का मतलब द्वि ध्रुव, ठीक है, द्वि ध्रुव का मतलब कि दो ध्रुव वहां पे बनेगा, एक यहाँ पे पॉजिटिव यहाँ पे निगेटिव। तो जैसे मान लो ये द्वि ध्रुव है, ये कोई आयन है, ये कोई आयन पॉजिटिव हो सकता है निगेटिव भी हो सकता है, ठीक है। तो उन दोनों के बीच में लगने वाला बल डाइपोल आयन इंटरैक्शन कहते हैं। बस डाइपोल और आयन के बीच में लगने वाले इंटरैक्शन को डाइपोल इंटरैक्शन बोलते हैं। और ये किसका पार्ट है? वैन डेर वाल्स फोर्स का, क्योंकि ये भी क्या है, वीक इंटरैक्शन है। चलो बात है स्टेटमेंट पे, जल्दी दी पढ़ो और मुझे बताओ। एन आयन डाइपोल इंटरैक्शन इज द इंटर मॉलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। क्या हो गया? चलो अब यहाँ पे बोल रहा है कि जो आपका आयन डाइपोल, यानी जो आयन बना है जो डाइपोल बना है, इन दोनों का इंटरैक्शन है। इंटरैक्शन का मतलब वीक केमिकल फोर्स इज द इंटर मॉलिकुलर, इंटर का मतलब दो लोगों के बीच, मॉलिकुलर का मतलब आणविक, मतलब अंतर आणविक, अंतरा आणविक, ठीक, अंतर आणविक फोर्स, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मतलब आकर्षण बल बिटवीन के बीच ए चार्ज आयन, उसमें से एक आपका चार्ज आयन रहेगा जिसपे ऐसा, जैसे मतलब सोडियम प्लस हो गया, क्लोरीन माइनस हो गया, एच प्लस हो गया, कुछ भी ले लो, उस पर चार्ज पूरा कंप्लीट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप ऐसे दिखा रहे हैं, हाँ मैम इसके बीच में ये आपको आयन बोल सकते हैं, तो ये आपका आयन नहीं है, आयन हमेशा ऐसे रहता है, उसके ऊपर पूरा कंप्लीट चार्ज होगा ऐसे, उस पर क्या होगा पूरा कंप्लीट चार्ज, आधा चार्ज नहीं होगा पूरा होगा। उनके बीच में चाहे वो केटायन हो, वो आयन जो बना है वो तो केटायन भी हो सकता है, एनायन भी हो सकता है, एंड ए मॉलिक्यूल, और एक अणु के बीच में। अब ध्यान से देखो स्टेटमेंट, इस फिगर को, इस फिगर में हम देख लें ये पूरा एक अणु है, क्योंकि आपको पता है HCl है ना, तो HCl एक अणु ही है और वो क्या है, अकेला आयन है। आगे चले, तो पहले लाइन में यही बोला गया है कि जो आयन डाइपोल इंटरैक्शन है वो एक अणु और एक आयन के बीच में लगने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। क्लियर है बात? इस लाइन का यही मतलब है। अगला पढ़ते हैं। इट इज फाउंड, यह पाया जाता है कॉमनली, मतलब जनरली, मतलब सामान्यतः, इन द सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का मतलब विलयन। इस बात को मैं जो वर्ड बोली वो अपने नोट्स में लिख लीजिए, ठीक है, इन द सॉल्यूशन, सॉल्यूशन यानी विलयन, वेयर आयनिक कंपाउंड, आयनिक का मतलब पता है, अभी जस्ट हमने पिछले वाले लैब के वो लेक्चर पढ़े, आयनिक कंपाउंड डिजोल्व इन पोलर सॉल्वेंट। बोल रहा है कोई भी आयनिक कंपाउंड को आप पानी में डाल दो, पानी या कोई भी सॉल्वेंट ले लो, सॉल्वेंट बोला है, सॉल्वेंट का मतलब विलायक होता है, कोई भी विलायक। तो आप पढ़े कि विलायक, सबसे अच्छा विलायक पानी रहता है जो सबको घुल देता है, चाहे वो चीनी हो चाहे वो एल्कोहल हो, सारी चीजें, हाँ तेल को नहीं घुल पाता है क्योंकि तेल बिल्कुल अलग है, कार्बनिक चीज है, और पानी में वही घुल सकता है जो उसके लायक हो या उसके जैसा जो हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप दोस्ती उसी से करेंगे जिससे आप वाइब मैच करते हैं, आप जैसे रहेंगे आप सोचते हैं मेरा बेस्ट फ्रेंड भी वैसा ही हो, आप बात करने वाले तो वही बात करने वाला, अगर आप सीरियस है तो उसे भी सीरियस, आप बात करने वाले किसी ऐसे से दोस्ती करेंगे जो बात ही ना करता हो, क्यों करेंगे भाई दोस्ती इस तरीके से, ठीक है। तो ये बोल रहा है, इस लाइन में ये कहा गया है कि ये जनरली या सामान्यतः पाया जाता है सॉल्यूशन में, विलयन में, जब कोई भी विलायक में हम लोग क्या करते हैं, कोई भी आयनिक कंपाउंड या आयनिक यौगिक को उसमें डाल देते हैं। चलो आते हैं इसका कोई एग्जांपल देखते हैं। आयनिक कोई सॉलिड, ये मान लो आपके पास कोई ग्लास है, इसमें आपके पास ढेर सारा क्या है, वाटर, ये आपके पास क्या है, वाटर। अब एक बात बताओ, वाटर को ध्यान से बनाओ, तो वाटर का स्ट्रक्चर ऐसा होता है, मैं यूनिट 2 पढ़ा चुकी हूँ, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन, इसका रेसिपियर थ्योरी, बॉन्ड एंगल वगैरह सब निकाल लेना, ये आपका होमवर्क रहेगा, ठीक है, ये इस तरीके से। और ऑक्सीजन भी यहाँ बीच में बैठा है, तो आपको पता है कि यहाँ पर भी कुछ ना कुछ कांड होगा। अब इसके ऊपर पार्शियली पॉजिटिव, ये पार्शियली पॉजिटिव, और इसके ऊपर पार्शियली क्या, निगेटिव। ऐसा क्यों, दो ये निगेटिव आएगा, क्योंकि इसका भी है और इसका भी है। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि ये ऑक्सीजन भी क्या कर रहा है, हल्का हल्का इलेक्ट्रॉन खींचने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि ये भी उसी का ग्रुप है, फोन, ये सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचने का काम करते हैं, ये वाला, ठीक। तो इलेक्ट्रॉन खींच रहा मतलब यहाँ पर भी वही कंडीशन होगा, तो इसका मतलब आपको ये पता चला, पानी भी आपका क्या है, डाइपोल है, हाँ डाइपोल, इसका मतलब इसके पास भी द्वि ध्रुव है। अब कोई आयनिक सॉलिड ले लेते हैं, आयनिक सॉलिड का मतलब चलो मान लो NaCl, ये तो सबसे अच्छा है NaCl, NaCl क्या है, वो एक आयनिक सॉलिड है, ठीक। अब NaCl को
जब इसमें हम लोग मिलाते हैं, आपको पता है ना आयनिक सॉलिड ऐसा होता है ना, वो बोलते हैं हम टूटेंगे नहीं, पर अगर टूटेंगे तो कंप्लीट तरीके से टूट जाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप किसी चीज को ब्रेक करते हैं, जैसे क्या बताऊं, चलो मान लो इसी को ब्रेक करना है, तो ये पहले आधा आधा ऐसा करके तो टूटेगा नहीं, वो हम एक बार में तोड़ेंगे तो एक बार में अलग अलग हो जाएगा। ऐसा तो ये नहीं बोलेगा कि आधा में आज टूट रहा हूँ आधा में कल टूटूंगा, ऐसा तो नहीं होता, एक ही बार में टूट जाएगा। तो ये NaCl को जैसे ही हम लोग वाटर में डालेंगे, NaCl बोलेगा चलो हम लोग में अब जितनी भी दोस्ती थी खत्म, अब मुझे मिल गया समुंदर। अब मुझे क्या मिल गया, समुंदर। तो यहाँ पे Na पॉजिटिव में बन जाएगा और क्लोरीन निगेटिव में बन जाएगा जैसे ही इसको पानी में डालेंगे। ऐसा क्यों हुआ पता है? अगर आपके दोस्त आपसे दूर तब हो जाते हैं जब आपके दोस्त को कोई और अच्छा दोस्त मिल जाता है, सेम टू सेम यहाँ पर ये। H2O क्या है, यहाँ पे जब H2O टूटता है, जब H2O टूटेगा, इस बात को ध्यान देना, हम लोग ऑर्गेनिक जो पढ़ेंगे ये सारी चीजें काम देगी। अभी बस को समझो, ये टूटेगा ना तो H+ में टूटेगा, OH- में टूटेगा, ये फैक्ट है, ये हर बार होता है। अब एक बात बताओ, Na क्या है, पॉजिटिव, Cl क्या है, नेगेटिव। Cl बोल रहा है चलो काम करते ना, Na के साथ बहुत दोस्ती करनी है, अब चलो इसके साथ दोस्ती करते हैं, ये यहां जाने की कोशिश करेगा, इस वजह से इन दोनों के बीच का बॉन्ड टूट गया। क्लियर है कि नहीं, यहाँ पे इन दोनों के बीच का बॉन्ड टूट गया। अगर आपसे कोई कहता है कि हम लोग किसी चीज को पानी में घोलते हैं तो वो घुल क्यों जाता है, तो आप समझ जाइए घुलने के पीछे का रीजन यही है, उनके बीच का बॉन्ड टूट जाता है, जैसे ही पानी में जाता है तो पानी के साथ बॉन्ड बना लेता है। ठीक, चीनी को पानी में घोलते हैं, इसका मतलब चीनी के अंदर कुछ ना कुछ, जितना भी चीनी में बॉन्ड होगा वो पानी में जाते ही क्या होता है, टूट जाता है, और वो सारे के साथ किसके साथ बॉन्ड बना लेते हैं, वाटर के साथ। वाटर कहते हैं आओ भाई हमारे साथ, हमारा बहुत बड़ा घर है, हमारे घर में रहो, खाओ पियो, मस्त रहो। तो ये वाटर क्या करता है, सबको तोड़ने का काम कर रहा है। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है वाटर भी तोड़ नहीं पाता, जैसे फॉर एग्जाम्पल ऑयल, ऑयल को वाटर में डालो टूटे, मतलब वो घुलेगा ही। ठीक है, इस बात का ध्यान देना। तो NaCl को हम लोग पानी में डाले तो NaCl बन क्या गया, ये दोनों बन गए क्या, आयन बन गए। और एक बात बताओ, पानी कैसा है, पानी आपका डाइपोल है, तो आयन डाइपोल इंटरेक्शन, ये आपका क्या है, पानी। पानी को एक काम करते हैं हम लोग ऐसे बना देते हैं, यहाँ पे आपका H+ है, यहाँ पे आपका OH- है। अब एक बात बताओ, दो ध्रुव बना कि नहीं, एक तरफ पॉजिटिव एक तरफ निगेटिव। ठीक है, अच्छा, अब आप लोग कहेंगे कि मैम ये तो कंप्लीट है, चलो ठीक है, आपका कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग काम करते हैं। अरे ये तो बनाई हुआ, ये आपका ठीक, अब इसको एक काम करो, अच्छा ठीक है बनाई देते हैं, वरना आप लोगों को दिक्कत होगा। इसी जगह देखो, यहाँ पे आ गया, इसके ऊपर हल्का हल्का पॉजिटिव आ गया, अंदर कौन बैठा है, क्लोरीन, यहाँ आएगा क्लोरीन, यहाँ आएगा और आपका Na यहाँ आएगा, पुश करेगा Na। चलो अब बताओ इन दोनों के बीच में क्या है, सॉरी इन दोनों के बीच में और इन दोनों के बीच में, ठीक, इन सब के बीच में क्या लग रहा है, इंटरैक्शन। और ये कौन सा इंटरैक्शन है, वॉन्डर वॉल इंटरैक्शन। और वॉन्डर वॉल में कौन सा है, एक आपका डाइपोल है, क्योंकि यहाँ पे दो पोल, अब देखो पार्शियल आपको दिख जा रहे हैं ना, तो उसका मतलब वो डाइपोल है, दो अपोजिट चार्ज वाले हैं। ये आपका क्या है, ये पूरा, ये आपका है डाइपोल, और ये दोनों आपके क्या है, आयंस। तो आयंस और डाइपोल के बीच में लगने वाला बल, अब मैं पहला वाला आपको समझा दियो ना, बाकी आपको समझ में आ जाएगा, क्लियर लगेगा आपको। समझ में आ गया, चाहो तो आप फिगर बना सकते हैं, ठीक, चाहो तो बना लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना या इसको पॉज कर देना, आगे बढ़े। अब एक काम करते हैं, स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। तो यहाँ पे बोला कि जब भी क्या बोला, आयनिक कंपाउंड को हम लोग क्या किए, वाटर में डिजोल्व किए, वाटर का मतलब सॉल्वेंट, सॉल्वेंट का मतलब विलायक, विलायक सबसे अच्छा विलायक आपका पानी है, सबको घोल देता है। तो वो क्या करेगा, जैसे ही उसके अंदर डालेंगे तो वहां पे ये डिजोल्व कर जाता है, घुल जाता है इन पोलर सॉल्वेंट, पोलर सॉल्वेंट होना चाहिए, पानी आपका क्या है, पोलर है, क्यों, क्योंकि उसके पास दो ध्रुव है। आयन डाइपोल अट्रैक्शन, जो आयन है और डाइपोल के बीच का जो अट्रैक्शन है, बिकम्स इन स्ट्रॉन्गर, बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है। इस बात को याद रखना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपसे आ जाएगा ना क्वेश्चन में कि वान डर वाल में कोई एक ऐसा टाइप बताइए जो सबसे ज्यादा स्ट्रांग बनाता है बॉन्ड, तो वो वान डर वाल में सबसे अच्छा यही बनाता है, क्योंकि इसका अगर बाकी सब पढ़ेंगे 2, 3, 4, 5 पढ़ेंगे तो उसमें सबसे पहले आप लोग इसमें 2-3 एग्जाम्पल मैं आपको कराऊंगी, तो उसमें बताऊंगी, उसमें आपसे पूछूंगी कि बताइए किसमें डाइपोल, सॉरी
किसमें वॉन्डर वॉल इंटरेक्शन सबसे ज्यादा है, तो आप बताएंगे ये वाला फर्स्ट वाला डाइपोल, और अगर कहीं पर आपको आयन दिख जाए उन दोनों के बीच में जो अट्रैक्शन होता है वो सबसे ज्यादा होता है इन कंपैरिजन टू दैट, मतलब अभी जो आगे पढ़ने वाले उसके लिए, ठीक सबसे ज्यादा होता है इस पॉइंट को। आपके पास कोई हाईलाइटर होगा नोट कर लीजिए, ये पॉइंट को लिखिएगा उसको हाईलाइट कर दीजिएगा, ठीक है आगे चलते हैं। एज द चार्ज ऑन द आयन इंक्रीज, एक काम करते हैं ना, एक काम करते हैं हम लोग चार्ज को बढ़ा देते हैं, अभी यहाँ पे कहाँ गया भाई पीछे तक, हम एक काम करते हैं हाइड्रोजन को ऊपर और चार्ज कर देते हैं, क्लोरीन को और निगेटिव कर देते हैं, तो क्या इन दोनों के बीच का इंटरेक्शन में कुछ फर्क पड़ेगा? बिल्कुल फर्क पड़ेगा, अगर ये बहुत ज्यादा पॉजिटिव हुआ तो ये कोशिश और ज्यादा इसके पास अट्रैक्शन फोर्स बढ़ जाएगा, ठीक तो ध्यान देना आकर्षक बल बढ़ जाएगा, तो आकर्षक बल बढ़ जाता है। देखो एज द चार्ज ऑन द आयन, जो चार्ज है आवेश के ऊपर मतलब आयन के ऊपर जो भी आवेश है पॉजिटिव और निगेटिव, अगर इंक्रीजेस का मतलब होता है बढ़ाना, आप उसको क्या कर रहे हैं बढ़ा रहे हैं, आर द मैग्नीट्यूड, तो उसके ऊपर का जो डाइपोल, या एक काम करो जो डाइपोल आपका बना उसका मैग्नीट्यूड बढ़ा दो, दोनों काम कर सकते हैं, या तो आयन को बढ़ाओ या तो डाइपोल को बनाओ, तो पोलर मॉलिक्यूल इंक्रीज है, तो इसके वजह से क्या होगा उनके बीच का जो इंटरेक्शन है वो इंक्रीज कर जाएगा बढ़ जाएगा। क्लियर है बात, सारा पॉइंट समझ में आ गया, आगे चले अगला क्या बोल रहा है, केटायन इज द पॉजिटिव चार्ज, जाहिर सी बात है केटायन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है क्योंकि वो धनायन होता है, स्पीसीज विच कैन अट्रैक्ट, तो ये किसको अट्रैक्ट करेगा निगेटिव वाले को, द पार्शियली निगेटिव, जो आपका आपका जो पोलर बना है, ठीक पोलर बना है उसमें से जो निगेटिव वाला पार्ट होगा उसको अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा मॉलिक्यूल, एनायन इज द, और एनायन क्या करेगा उसके ऊपर निगेटिव चार्ज है, तो वो जो पोल बना है डाइपोल बना है उसमें से जो पॉजिटिव वाला होगा उसके साथ इंटरेक्शन करेगा, यही बात को यहाँ पे लिखा गया है, एंड द न्यूट्रल पोलर मॉलिक्यूल, क्योंकि पहले तो वो, अच्छा एक बात बताओ, पहले HCl न्यूट्रल था कुछ देर के लिए मान लो 0.2 सेकंड के लिए, पर उसके बाद में ये अपने आप को डाइपोल बना लिया, एक तरफ H कर लिया एक तरफ Cl, उन दोनों में झगड़ा होने लगा, इस वजह से ये पॉजिटिव ये नेगेटिव होगा, पहले तो ये सब न्यूट्रल ही थे 2 सेकंड के लिए मान के चलो, अभी हम लोग आगे भी एग्जाम्पल पढ़ेंगे तो चीजें आपकी क्लियर होंगी। आगे चलते हैं, डाइपोल मॉलिक्यूल हैज अ स्लाइट चार्ज, देखो स्लाइट बोला है ना मतलब थोड़ा सा, डाइपोल के पास थोड़ा सा चार्ज होता है आइदर साइड एंड द दैट आयन हैव अ चार्ज, लेकिन जो आयन होता है उसके ऊपर पूरा चार्ज होगा, या तो पॉजिटिव या तो सॉरी या तो निगेटिव या तो पॉजिटिव, ध्यान देना आयन के ऊपर पूरा रहेगा लेकिन जो आपको डाइपोल बनेगा उस पर थोड़ा सा चार्ज रहेगा, इसलिए कहा गया स्लाइट थोड़ा सा। यू कैन अंडरस्टैंड, आप इस बात समझ सकते हैं हाउ दिस वुड बॉन्ड डू टुगेदर, कि इन दोनों के बीच में बॉन्ड बना कैसे, हालांकि कोई बॉन्ड नहीं है पर जाहिर सी बात है हम लोग वीक बॉन्ड में पड़े तो बॉन्ड तो कहेंगे ही, ठीक है चलो, घर का बेटा वो निकम्मा हो जैसा पर है तो बेटा ही ऐसे ही बोलेंगे, केटायन वुड बी अट्रैक्ट, जो केटायन होता है वो निगेटिव साइड को अट्रैक्ट करता है, किसका निगेटिव साइड, पोलर मॉलिक्यूल का, जो पोलर मॉलिक्यूल बना है डाइपोल बना है उसके निगेटिव साइड को अट्रैक्ट करेगा, एंड जो एनायन होता है कहाँ गया भाई, एंड जो एनायन चला ही गया, अच्छा चलो एकदम सेम एज ए एंड द एनायंस, अच्छा एंड द एनायंस के बाद फुल स्टॉप, ठीक एंड देन एनायंस का मतलब कि उसके उसके जैसा, मतलब जो एनायन होगा जो आपका निगेटिव चार्ज वाला होगा पॉजिटिव के साथ, पॉजिटिव वाला निगेटिव के साथ, समझ में आ गया। अब आगे चलते हैं, अब आते हैं हम लोग को पढ़ना है दूसरा, क्या है इसका नाम, इसको ही पढ़ने में बड़ा मजा आएगा, डाइपोल डाइपोल, वाओ क्या बात है, डाइपोल एक डाइपोल रहेगा दूसरा भी आपका डाइपोल है, चलो इसको हम लोग फिगर के थ्रू समझते हैं, ये आपके पास फिगर है, चलो कुछ बनाते हैं डाइपोल में, मान के चलो वही HCl का एग्जाम्पल लेंगे, HCl का दो HCl बनाओ, H प्लस सॉरी H है यहाँ पे Cl है, इसके ऊपर क्या पार्शियली पॉजिटिव चार्ज, और इन दोनों के बीच में बॉन्ड अभी है और ये इलेक्ट्रॉन यहां तक खींच चुका है तो इसी वजह से इसके ऊपर निगेटिव चार्ज है, ठीक क्लियर है बात, इन दोनों के बीच में बॉन्ड बना एच सी एल बॉन्ड बना और ये इलेक्ट्रॉन लगातार इससे खींचे जा रहा है, इस वजह से इसके ऊपर पॉजिटिव इसके ऊपर निगेटिव, ये है क्या, ये है आपका डाइपोल, ये क्या है, ये भी आपका है डाइपोल, अब बात समझ में आया,
डाइपोल डाइपोल के बीच में क्या हो रहा है इंटरैक्शन, ये देखो, समझ में आ रहा है कि नहीं। अब आपके मन में ये डाउट आना ही नहीं चाहिए कि इन दोनों के बीच में ही इंटरैक्शन होगा, क्योंकि भाई यहां देखो इसके ऊपर पॉजिटिव है, इसके ऊपर निगेटिव है, तो आना ही था अट्रैक्शन। अट्रैक्शन तो होता है जब भी हम लोग विपरीत होते हैं, जैसे एक पॉजिटिव एक निगेटिव होते हैं इंटरैक्शन, इसी इंटरैक्शन को बोलते हैं क्या, डाइपोल। समझ में आया कि नहीं, डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन। क्लियर है ना बात, कोई भी डाउट नहीं रहना चाहिए। अब ये बना कैसे, अगर मान लो आपके मन में हो रहा होगा कि चलिए मैम एक काम करते हैं, इसको ऐसे बनाकर चेक करते हैं, एक ये ऐसे बना लो, एक ये ऐसे बना लो, पर एक बात बताएं, ये ऐसा कभी बनेगा ही नहीं। एग्जाम में अगर आप ऐसे बनाकर चले हैं, एग्जामिनर पहले कॉपी काटेगा, फिर आपके बारे में सोचेगा एक मिनट कि ये बच्चे को पता ही नहीं है, इसका मतलब इसका कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं है। तो हर बात ध्यान देना, आप हर फिगर को बनाने के पीछे, इसीलिए कह रहे केमिस्ट्री रटने वाली नहीं है, आपको केमिस्ट्री को समझना पड़ेगा यहाँ पे क्या कैसे हुआ। अगर आप रट के भी जाते ना, कुछ लोग ऐसे सोचते हैं चलो कोई बात नहीं, केमिस्ट्री बहुत वीक लगती है, हमें आती नहीं है, तो हम उसको रट के चले जाएंगे, पास हो जाएंगे, नहीं होने वाला है। पता है क्यों, क्योंकि हर एक पॉइंट आपको गलत कराएगी, हर एक पॉइंट। जब भी एग्जामिनर कॉपी चेक करेगा, अगर उसे ये दिख गया, वो समझ जाएगा कि आप कितना जानते हैं, आप पेपर में उसके आगे उसका मूड खराब हो गया। अब वो कॉपी चेक करेगा, उसके माइंड में ये आएगा कि ये बच्चा कुछ नहीं जानता। अब उसका कॉपी वो सही भी लिखा रहेगा तो उसके माइंड में वही है, तो पढ़ा भी रहेगा तो उसको ध्यान से पढ़ेगा ही नहीं। इसीलिए अपना जो जब भी पेपर लिखा करो ना, उसमें पहला क्वेश्चन ऐसे लिखा करो जो आपको सबसे ज्यादा अच्छे से आता है। क्वेश्चन पेपर पढ़ो, उसमें जो सबसे अच्छा आपको क्वेश्चन आता है कि ये, इसमें तो हम लोग एकदम बहुत ज्यादा लिख देंगे, 100% या 200%, ये क्वेश्चन मुझे बहुत अच्छे से आ रहा है, उसको पहले अटेम्प्ट करो, क्योंकि उससे आपका इंप्रेशन बढ़ता है। ठीक है, फर्स्ट इंप्रेशन ऑफ लास्ट। ठीक है, तो उसके जो भी एग्जामिनर होगा वो जब कॉपी चेक करेगा ना, तो उसे कहेगा पहला क्वेश्चन सही है, मतलब इमेज बन जाएगा आपका कि हाँ, उसे क्या बोलते हैं, भौगाल टाइप का बन जाएगा। तो आप क्या करेंगे कि उसे कॉपी पे, मतलब जब एग्जामिनर आपकी कॉपी चेक करेगा, तो उसके मन में ये आ जाएगा कि हाँ बच्चा कुछ तो जानता है, इंटेलिजेंट है हमको लग रहा है। तो वो आगे कुछ गलतियां भी रहेंगे तो उसके माइंड में चलो कोई बात नहीं, हो जाता है कभी कभी, क्योंकि अगर उसका मूड अच्छा है, क्योंकि आपको ध्यान देना है आपको एग्जामिनर को खुश करना है, उसके मूड पे आप सोचिए कि वो क्या सोच रहा होगा, अपने आप को वहां पे रखिए और सोचिए। आप किसी की कॉपी चेक करें, कोई इतना गंदे हैंडराइटिंग में लिखा हो, कुछ भी ऐसे खींच दिया, तो क्या आप उसकी कॉपी चेक करेंगे, गुस्सा आएगा आपको। तो हर एक प्रॉपर तरीके से लिखिए, एक लिखने का तरीका होना चाहिए। पहला क्वेश्चन वही अटेम्प्ट करिए जो आपको अच्छे से आ रहा हो, उसके बाद बाकी आपको जो कम आ रहा है उसे कम कम करते हो, जो क्वेश्चन एकदम ही है उसको लास्ट में करो, क्योंकि एग्जामिनर को ऐसा लगेगा ना कि चलो भाई इसको आता था पर उसके ऊपर टाइम नहीं बचा होगा इसलिए नहीं लिखा। अब वहां पे पता थोड़ी ना चल रहा है कि आपका क्या है कैसे है। ठीक है, इस बार ये सब होता है ट्रिक। जितने लोग टॉप करते हैं और जितने लोग एवरेज पढ़ने वाले, उन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो यही है, लिखने का तरीका। इस बात को ध्यान देना, तो ये कभी मत बनाना, क्योंकि उसे पता है डाइपोल डाइपोल में ये अपने आप को घुमा देगा, ये अपने आप को क्या करेगा, चेंज कर देगा, ये बनेगा ही नहीं। ये रूल है, ये कहेगा ना नहीं नहीं HCl तुम H वहां चले जाओ, हम यहाँ आ जाते हैं, तब यहाँ पे डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन हो सकता है। बस यही था, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन के बीच में द्विध्रुव के बीच में लगने वाला बल द्विध्रुव इंटरेक्शन कहलाता है। क्लियर है बात, आगे चले। चलो अब इसके स्टेटमेंट को पढ़ लेते, कोई भी आपका डाउट रहेगा यहाँ पे क्लियर हो जाए। फिगर समझ में आ गया, डाइपोल डाइपोल फोर्सेस आर अट्रैक्टिव, ये भी अट्रैक्शन वाला फोर्सेस है, बिटवीन किसके बीच में, पॉजिटिव एंड, ध्यान से देखो, पॉजिटिव एंड ऑफ वन, क्योंकि एक अकेला है, ये वाला ध्यान से देखो, ये वाला, इसको चलो डाइपोल नंबर वन मान लेते हैं, इसका डाइपोल नंबर टू मान लेते हैं। तो पॉजिटिव जो एंड है प्लस जो पहला वाला डाइपोल है उसका, ये बोल रहे एंड ऑफ वन पोलर मॉलिक्यूल, क्योंकि आपको पता है ये पोलर मॉलिक्यूल है, HCl आपका पोलर है। ठीक, HCl आपका क्या है, पोलर है। ठीक, आगे चलते हैं, एंड द निगेटिव एंड ऑफ अनदर पोलर मॉलिक्यूल, बोल रहा है जो निगेटिव एंड है एक, ये दूसरा पोलर मॉलिक्यूल, ये तो पोलर मॉलिक्यूल है, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, पोलर मॉलिक्यूल, पोलर मॉलिक्यूल। ठीक है, पहले वाले पोलर मॉलिक्यूल का जो पॉजिटिव एंड है, एंड का मतलब जो अंत में, क्योंकि ये अंत ही है ना इसका, अंत में, और जो दूसरा वाला जो आपका पोलर मॉलिक्यूल है उसके निगेटिव एंड में, इन दोनों के बीच में जो यहाँ पे इंटरैक्शन हो रहा है, ठीक, यही बात को यहाँ पे लिखा गया है।
इसी को क्या बोलते हैं, अट्रैक्शन फोर्स, जिसको बोलते हैं डायपोल डायपोल इंटरैक्शन। दूसरी बात, डायपोल डायपोल फोर्सेस हैव अ स्ट्रेंथ दैट रेंज, हाँ अगर आप लोग इतने रेंज से, इतना ही रेंज होता है 5 से लेकर 20 किलो जूल का, मतलब इसी इसके पास इतनी ही एनर्जी है, हम लोग एक काम करते हैं ना, इन दोनों को बहुत दूर कर देते हैं तो इनके बीच का अट्रैक्शन फोर्स खत्म हो जाएगा। तो इस बात का ध्यान देना, इनको इतने दूर पे पास पास ही रखना, बहुत ज्यादा देखो मैं पास नहीं की हूँ, थोड़ा सा पास है, ठीक है। आगे चले, इतना स्ट्रेंथ है, और इसको भी आप लोग हाईलाइट कर दीजिएगा, ये स्ट्रेंथ अगर आप कॉपी पे लिखते हैं तो बहुत अच्छी बात है, आपको एग्जाम कॉपी की मैं बात कर रही हूँ, ठीक है, एग्जाम कॉपी पे ये सारा डाटा लिखेंगे ना तो एग्जामिनर बहुत खुश हो जाता है कि हाँ भाई बच्चे को तो याद भी है। दे आर मच वीकर, ये बहुत ज्यादा कम, क्योंकि आपको पता है 5 से 20 किलो का जूल कुछ नहीं है। देन आयनिक और कोवेलेंट बॉन्ड, ये पॉइंट भी आपको हाईलाइट करना है, आयनिक बॉन्ड, चलिए मान लीजिए मैं आपसे पूछ ली कि चलो बताओ आयनिक बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है, कोवेलेंट बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है कि डायपोल डायपोल इंटरैक्शन स्ट्रॉन्ग है, तो आप बोलेंगे नहीं, क्या नहीं मैम आयनिक वाला ज्यादा है, फिर कोवेलेंट, फिर आपका क्या है डायपोल डायपोल इंटरैक्शन, इस बात को ध्यान देना। आगे चलते हैं, एंड हैव अ सिग्निफिकेंट इफेक्ट, इसका कोई एक सिग्निफिकेंट है, जिसका एक कोई महत्व है, क्या महत्व है, ओनली व्हेन द मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व आर क्लोज टुगेदर। अभी जस्ट मैं बताई हूँ, जब मॉलिक्यूल बहुत ज्यादा क्लोज रहेगा, बहुत ज्यादा पास रहेगा, बहुत ज्यादा नहीं, हल्का टच करना है या टच ऑलमोस्ट टच हो रहा है, ऐसे हल्का सा टच हो रहा है या ऑलमोस्ट टच, ठीक है, इतना ही अगर टच हो रहा है तभी आपका ये आला स्ट्रेंथ काम करेगा, मतलब ये जो बॉन्ड है डाइपोल डाइपोल का वो तभी काम करेगा जब मॉलिक्यूल को आप क्लोज लाएंगे, ठीक, पोलर मॉलिक्यूल को। अगले पॉइंट पे चलते हैं, द फिगर शो, ये फिगर आपको बताता है, यहाँ पे एक फॉर्मूला आईसीएल है, ये फिगर के बारे में बता रहा है, ये फिगर भी और ये वाला फिगर, ये आपके एक एक पोल है, आओ इसको बनाते हैं, ये है यहाँ पे आपका, ये देखो एक आपका पोलर मॉलिक्यूल, एक आपका पॉलीमर, अब ये ऊपर नीचे दाएं बाएं कुछ भी हो सकता है बच्चों, ये दोनों क्या है पोलर मॉलिक्यूल, ये दोनों भी क्या है पोलर मॉलिक्यूल, बार बार नहीं लिख रहा, ठीक है, आई और सीएल आपको पता है। अब आप लोग कहेंगे मैम एक बात बताइए, ये तो इसी ग्रुप का आ गया, तो ध्यान दो जब भी हम लोग ऊपर से नीचे जाते हैं, क्योंकि फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है, तो आपका जो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी है, या इसको बोलते हैं विद्युत ऋणात्मकता, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, विद्युत ऋणात्मकता, वो धीरे धीरे क्या होती है घटने लगती है, साइज बड़ा हो जाता है ना, साइज बड़ा है तो वो आसपास के इलेक्ट्रॉन को खींच नहीं पाएगा, क्यों क्यों, इसका रीजन ये है, ये देखो इसकी साइज छोटी है, यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन बैठा है तो ये जल्दी से खींच लेगा, खींचने का काम कौन कर रहा है पॉजिटिव चार्ज। अब हम लोग आई को बनाते हैं, आई की साइज इतनी बड़ी है, अब यहाँ इलेक्ट्रॉन है, इसको खींचने के लिए तो ये खींचेगा ना, इलेक्ट्रॉन यहाँ बाहर बैठा है, अब ये कहेगा ए भगो जी यहाँ से क्यों आए उधर, तो ये इसको खींचने से पहले ये इलेक्ट्रॉन इसको भगा दिया, इस वजह से यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हम लोग नहीं कर पाएंगे, तो आई बहुत अच्छा इलेक्ट्रॉन नहीं खींच पाता है, इस बात का ध्यान देना, आई बहुत अच्छा इलेक्ट्रॉन नहीं खींच पाता है फ्लोरीन की अपेक्षा। अब ये आई की बात हो रही है, सीएल की बात हो रही है, तो कौन खींचेगा ज्यादा, क्लोरीन ज्यादा खींचेगा, उसकी साइज थोड़ी सी बड़ी है, आई की साइज बहुत बड़ी है, ठीक, तो ये ज्यादा खींचेगा, इस वजह से आई के ऊपर क्या है निगेटिव चार्ज आया, और आई सॉरी सीएल के ऊपर निगेटिव चार्ज आया, क्योंकि ये इससे इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है और वो धीरे धीरे से खींच रहा है, और आई क्या है हल्का हल्का पॉजिटिव जैसा व्यवहार कर रहा है। अब आई तो स्ट्रांग है, इस ग्रुप का ही है स्ट्रांग है, लेकिन आई के साथ अगर कोई और होता ना, एच होता, तो पक्का उसको बताता कि अभी मैं फूट के बताता हूँ उसे, उसका सारा इलेक्ट्रॉन खींच लेता, लेकिन आई के साथ जस्ट इसके ऊपर वाला सीएल है, आप किसी और से झगड़ा कर सकते हैं, आपके जो बड़े भैया रहेंगे तो आप उनसे, उनके सामने या पापा के सामने नहीं बोल पाते हैं, ठीक है, आप डरते हैं उनसे, यही। अब ये देखो इंटरेक्शन कैसे हो रहा है, हमेशा ध्यान दो अपोजिट चार्ज को अविपरीत बनाना, ठीक, यहाँ पे देखो क्लोरीन है तो यहाँ पे आई है, यहाँ क्लोरीन है यहाँ आई है, तो इन दोनों के जो बीच में इंटरेक्शन है वो कौन सा है डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। समझ में आया कि नहीं इंटरेक्शन, अरे भाई इस व्हाइट बोर्ड पे अच्छा नहीं लिखा रहा है मुझसे, चलो डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन क्लियर है, आई थिंक मुझे लग रहा है क्लियर है, इसमें कोई डाउट नहीं है, जल्दी से इसको क्या करो नोट्स को नोट कर लो जाइए जल्दी से, फिर हम लोग आगे चलते हैं, बस खत्म होने वाला है टॉपिक, आगे चलते हैं, क्लियर है कि नहीं, कुछ क्लियर हुआ कि नहीं ये सारी चीजें बातें, चलो इसका मतलब हम लोग का दो कंप्लीट हो गया, कौन कौन सा, कौन कौन सा था इसमें, एक आपका है आयन डाइपोल, मतलब एक आयन होगा,
एक डाइपोल होगा, उनके बीच में क्या होगा अट्रैक्शन फोर्स, एक डाइपोल डाइपोल के बीच में अट्रैक्शन फोर्स। अब हम लोग को थर्ड पढ़ना है क्या, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल। अब ये क्या है, इंड्यूस का मतलब एक को प्रेरित कर रहा है, वो पहले था नहीं वैसा। जैसे मान लो कभी कभी कुछ लोग क्या होते हैं इस उम्र में, इस टीनेजर की उम्र में कुछ लोग स्मोकिंग करने लगते हैं, पहले वो ऐसा नहीं था, कोई भी बच्चा है मैं उसे जज नहीं कर रही हूँ, पहले वो ऐसा नहीं था, पर वो अपनी संगति में आकर, अपने दोस्तों की संगति में आकर स्मोकिंग करने लगता है, पहले वो अच्छा बच्चा था बाद में वो बुरा बन जाता है। तो हम लोग ऐसा बोलते हैं ना, तो डाइपोल एक तो प्रॉपर है कि वो डाइपोल है, उसके पास पहले से ही द्विध्रुव है, मतलब उसको जैसे HCl, H के पास पहले से ही पॉजिटिव चार्ज है, हल्का पॉजिटिव चार्ज, जिसको डेल पॉजिटिव बोलते हैं, और क्लोरीन के पास पहले से ही डेल नेगेटिव है, तो वो पहले से ही डाइपोल है, एक को डाइपोल बनाना पड़ा। आइए इसका कोई एग्जाम्पल देखते हैं, ये चेक करते हैं, इसका कोई एग्जाम्पल देखते हैं, वही हम लोग एक ही एग्जाम्पल को लेकर चलेंगे जिससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो। HCl है, तो HCl के पास क्योंकि ये इससे इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, इसके ऊपर पार्शियली पॉजिटिव, इसके ऊपर पार्शियली नहीं, ठीक, इन दोनों के बीच में बॉन्ड बना हुआ और इलेक्ट्रॉन खसक कर यहाँ पर आ गए, क्यों, क्योंकि ये क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, दुष्ट टाइप का इंसान है, बेचारे से खींच रहा है इलेक्ट्रॉन। चलो अब क्या है, एक कोई है, मान के चलो H2 गैस है, H2 गैस है, ये कोई है, यहाँ पे तो डाइपोल बनेगा ही नहीं ना, क्योंकि H2 में क्या है, दोनों आपका हाइड्रोजन हाइड्रोजन है, कोई खींच ही नहीं रहा, इसका इलेक्ट्रॉन दूर दूर है, कोई दिक्कत ही नहीं है, मतलब ये बोलेगा हम तो, ये कैसा है, ये आपका नॉन पोलर है, क्योंकि इसके पास कोई भी पोल दिखाई नहीं दे रहा है, कोई भी पोल दिखाई दे रहा है नहीं, और इसके पास ये देखो डाइपोल, इसके पास दो पोल दिखाई दे रहा है, इसके पास कोई पोल नहीं है, तो इसे बोलेंगे नॉन पोलर, ठीक, और इसको बोलेंगे डाइपोलर या डाइपोल। अब बताओ ये क्लोरीन क्या करे, एक बार बताओ ये हाइड्रोजन ये सब बने कैसे होंगे, तो एक मैं हाइड्रोजन बना रही हूं, ये एक दूसरा हाइड्रोजन, इन दोनों के बीच में बॉन्ड बना है। एक बात बताओ इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, इस वाले हाइड्रोजन के पास दो इलेक्ट्रॉन इसके पास होंगे और दो इलेक्ट्रॉन इसके पास होंगे, जाहिर सी बात है ये सब बॉन्डिंग करके लाए, तो मतलब एक परमाणु में इलेक्ट्रॉन भी होता है प्रोटॉन भी होता है, ये बात आपको पता है। तो एक बात बताओ ये पूरा परमाणु है, सॉरी ये पूरा अणु है, तो अणु में इलेक्ट्रॉन भी है निगेटिव भी है, तो ये सब क्या किए, क्लोरीन को देखे, नाभिक क्लोरीन को देखा, अब उसे अब वो पसंद आने लगा, तो बोला कि अब तो मुझे वहां जाना पड़ेगा, मैं बीच में नहीं रह सकता, तो ये दोनों कोशिश कर रहे हैं थोड़ा सा यहाँ खिसकने की, और ये इलेक्ट्रॉन इससे दूर, क्योंकि आपको पता है इलेक्ट्रॉन के बीच में झगड़ा होता है, ये सारे इलेक्ट्रॉन इसके सामने नहीं रह सकते, कहते कि हम तो इसके सामने रहेंगे, हम इससे दूर जा रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन सारे के सारे यहाँ खिसक गए। अब एक बार बताओ ये सब जो हो रहा है उसमें एक ही मॉलिक्यूल तो रहेगा नहीं, हो सकता है यहाँ कोई बगल में कोई और बैठा हो, एक और भी हो जो क्या HCl हो। अब कोई भी है, एक छोटा सा कंटेनर है, या आपके घर में जो LPG की गैस है, LPG उसमें गैस भरी होती है ना, तो वो क्या है, जो LPG वाली गैस है उसमें जो भी गैस भरा होगा वो गैस बस एक मॉलिक्यूल तो होगा नहीं, एक अणु तो होगा नहीं, सैकड़ों लाखों करोड़ों अणु होंगे। तो इसी तरीके से यहाँ पे देखो, यहाँ पे अब देखो यहाँ पे क्या है, इस वजह से पॉजिटिव, ये पहले था नहीं ऐसा, ये अपने आप को क्या किया, इंड्यूस किया है, ये अपने आप को इंड्यूस किया, तो इसको बोल सकते हैं इंड्यूस डाइपोल, पहले ये डाइपोल नहीं था, इसको देखकर और इसको देखकर ये अपने आप में डाइपोल बन गया, इन दोनों को देखकर, ये दोनों इसको क्या किए, उसको बहलाएं फुसलाएं, जैसे फॉर एग्जांपल पहले ये स्मोकिंग नहीं करता, ये बोले कि ये भी बोला चलो कर लेते हैं क्या पता चलेगा तुम्हारी मम्मी को, ये बोला क्या पता चलेगा मम्मी को कर लेते हैं, तो इन दोनों की बात को सोचकर वो बोला अच्छा ठीक है चलो कर ही लेते हैं, तो इसका जो नाभिक था वो इसके सामने आ गया, इसका जो निगेटिव था वो इसके सामने आ गया, क्यों, क्योंकि इन सबको करना है इंटरैक्शन, ध्यान से देखो निगेटिव, हाँ ये निगेटिव पॉजिटिव इंटरैक्शन होगा, निगेटिव पॉजिटिव इंटरैक्शन होगा, तो इसी को बोलते हैं क्या, इंड्यूस्ड डाइपोल, डाइपोल एक आपका डाइपोल है ना, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल, ये आपका डाइपोल पहले नहीं था, इसको इंड्यूस करके बनाया गया, पहले तो ये अच्छा बच्चा था, ठीक, पहले तो ये नॉन पोलर था, इसको अब पोलर बनाया गया है, और वो पोलर कैसे बना, तो इसके ऊपर एक नाम तो आ जाएगा ना, इंड्यूस्ड डाइपोल,
चलो, तो इसका नाम है इंड्यूस्ड डाइपोल। ये मतलब प्रेरित किया गया है इसको, तब जाके ये डाइपोल बना गया। जैसे फॉर एग्जांपल आप लोग के अंदर कुछ भी हो, जैसे कोई भी स्टूडेंट है वो पहले नहीं पढ़ता था, तो आज वो, जैसे कुछ लोग होते हैं ना, आप लोग आईएएस का यूपीएससी का जो आप लोग जो भी उसके एस्पिरेंट्स होते हैं, तो वो अपना इंटरव्यू देते हैं, तो वो बताते हैं मैं पहले नहीं पढ़ता था, मैं तो एक क्लास में फेल हो गया था, आज मैं आईएएस टॉपर हूँ, ऐसे करके बताते हैं ना। तो इसका मतलब पहले वो नहीं पढ़ता था, अब वो पढ़ने लगा लोगों को देखकर। तो इसी तरीके से वो इंड्यूस हो गया इन दोनों डाइपोल को देखकर। इनके बीच में लगने वाला बल डाइपोल इंड्यूस डाइपोल कहलाता। क्लियर है बातें, समझ में आया ये फिगर से? आप इसको नोट कर सकते हैं। चलो स्टेटमेंट पढ़ते हैं। दिस टाइप ऑफ अट्रैक्टिव फोर्स, ये एक प्रकार का अट्रैक्टिव फोर्स है जो ऑपरेट करता है। कहां से ये बनता है? बिटवीन द पोलर मॉलिक्यूल, एक आपका पोलर मॉलिक्यूल रहेगा जिसको बोलेंगे द्विध्रुव मॉलिक्यूल या अणु। Having the, उसके पास परमानेंट है डाइपोल, उसके पास पहले से ही पॉजिटिव और निगेटिव है, जैसे HCl का एग्जाम्पल लिया है, ठीक। एंड द मॉलिक्यूल्स लैकिंग परमानेंट डाइपोल। एक बात मैं और बताना भूल गई, ध्यान से देखिए, क्या देखो, अगली स्लाइड ले लेते हैं। मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं, चलो बताओ क्या ये दोनों के बीच में होगा डाइपोल इंड्यूस डाइपोल? क्या ये डाइपोल है? ये भी आपका नॉन पोलर है, डाइपोल नहीं है, और ये भी आपका नॉन पोलर है। इसका मतलब ये आपका इस, मतलब इसमें भी होगा, वो हम लोग अलग पढ़ेंगे, पर ध्यान दो डाइपोल इंड्यूस डाइपोल का ये एग्जांपल हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये दोनों क्या है, H2 और ये आपका H2 है, तो दोनों आपके नॉन पोलर है, तो इन दोनों के बीच में होगा नहीं। तो ध्यान देना, एक आपका डाइपोल होना चाहिए, उसमें परमानेंट होना चाहिए, ठीक, इस बात का ध्यान देना। आइए स्टेटमेंट पढ़ते हैं। फिर उसके बाद क्या बोला गया है, द पोलर मॉलिक्यूल्स परमानेंट डाइपोल। पोलर मॉलिक्यूल्स के पास जैसे कि HCl, उसके पास परमानेंट डाइपोल होता है, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव, क्रिएट्स ए डाइपोल, वो अपने आप में क्रिएट कर लेते हैं, बना लेते हैं डाइपोल को ऑन द इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल मॉलिक्यूल बाई ए डीफॉर्मिंग इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड। और ये क्या करता है ना, ऑन द इलेक्ट्रिकली जो न्यूट्रल रहेगा, जो उसके सामने वाला पूरा उदासीन है, उसका क्या करेगा, उसके पास इलेक्ट्रॉन रहेगा, क्योंकि आपको पता है कोई भी परमाणु कोई भी मॉलिक्यूल है उसमें इलेक्ट्रॉन और नाभिक तो होता ही है, तो वो क्या करेगा, जो नाभ इलेक्ट्रॉन का जो क्लाउड है, क्लाउड का मतलब क्या, उसको क्लाउड का मतलब बादल बोलते हैं, तो इलेक्ट्रॉन का जो घना बादल है उसको क्या करेगा, थोड़ा चेंज कर देगा, ठीक। एज अ रिजल्ट, इससे होगा क्या परिणाम, द अदर मॉलिक्यूल डेवलप, जो दूसरा मॉलिक्यूल है उसके बीच में डेवलप होने लगेगा इंड्यूस डाइपोल, वो डेवलप होने लगा, जैसा कि हम लोग इस फिगर में देखे हैं। इसके अंदर का जो नाभिक था वो, ये दोनों इलेक्ट्रॉन का क्लाउड, ये सब क्या है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड, ये कोशिश किए ना कि चलो काम करते हैं, हम लोग एक साइड आ जाते हैं, पूरे नाभिक को एक साइड कर दो, तो ये आपका क्या है, न्यूक्लियस यानी नाभिक, और ये आपका इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, तो वो दोनों अलग अलग हो गए ना, तो इस वजह से ये क्या हो गया, इंड्यूस हो गया। आगे चलो, द इंड्यूस डाइपोल मूवमेंट डिपेंड्स ऑन द डाइपोल मूवमेंट ऑफ द परमानेंट डाइपोल। अच्छा एक काम करते हैं ना, ध्यान से देखना, ध्यान से एक छोटा सा टॉपिक, ये जो इतना इंड्यूस हो रहा है, अगर मैं इन दोनों को यहां से हटा दूं, इसको हटा दूं, इसको हटा दूं, क्या ये डाइपोल रहेगा? नहीं, मैं बोल रही हूँ इंड्यूस है। अब वो जो खराब दोस्त थे जो उसे बार बार स्मोकिंग करने के लिए बोल रहे थे, उनको हटा दो तो वो स्मोक करेगा नहीं, क्योंकि उसे बार बार वही लोग प्रेरित कर रहे थे, इंड्यूस कर रहे थे। तो अगर इन दोनों को हटा दिए तो ये इंड्यूस होना बंद हो जाएगा और इसके बीच में लगने वाला बल भी बंद हो जाएगा, ठीक। यही बात को यहाँ पे कहा गया, द इंड्यूस डाइपोल मूवमेंट डिपेंड्स, ये डिपेंड्स करता है कि डाइपोल जो मूवमेंट हो रहा है वो परमानेंट डाइपोल जो मूवमेंट है वो पोलराइजेबिलिटी, यानी इसकी पोलराइजेबिलिटी पे, ये जो वर्ड अभी के लिए इसको इग्नोर करो, क्योंकि ये वर्ड आपको फजांस रूम में पढ़ाऊंगी बहुत डिटेल में। पोलराइजेबिलिटी का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन का पूरा क्लाउड, ठीक। तो वो डिपेंड करता है कि जो आपका पोलर मॉलिक्यूल है, जो आपका द्विध्रुव है, अणु है, द्विध्रुव अणु, वो डिपेंड करता है वो कब तक वहां पे प्रेजेंट है। अगर वो वहां से चला गया तो आपका जो इंड्यूस हो रहा था बार बार, वो इंड्यूस भी नहीं होगा, ठीक। जैसे सबसे अच्छा एग्जांपल वाईफाई का, आप किसी से हॉटस्पॉट लिए, किसी से वाईफाई लिए, ठीक है, अब अपना वाईफाई ऑन कर लिए, हॉटस्पॉट लिए, अब वो डिस्टेंस पर डिपेंड करता है, आप एक किलोमीटर रेडियस पे चल जाइए तो क्या वो पकड़ेगा? नहीं नहीं पकड़ेगा, सबसे अच्छा यही है। अब ये डायग्राम पे ऐसा शो किया गया, ये भी डायग्राम बना सकते हैं, चाहे तो ये देख लो, ये वाला, ये देखो, ये परमानेंट डायपोल, इसके पे पॉजिटिव निगेटिव ऑलरेडी है, और इसका ये क्या है, मैग्नीट्यूड है, जिसको क्या बोलेंगे, डायपोल मूवमेंट।
डाइपोल मूवमेंट होता क्या है, द्वि ध्रुव आघूर्ण, क्या बोलते हैं उसको, द्वि ध्रुव आघूर्ण। इसमें जो ये तीर बना हुआ है ना, एरो बना है, इसका जो पूछ रहेगा यानी टेल रहेगा वो आपका पॉजिटिव की तरफ होगा, ये निगेटिव की तरफ, ये एक तरह का मैग्नीट्यूड दिखाता है, ठीक है। ये डाइपोल है, डाइपोल मूवमेंट है, तो इसके पास तो ये परमानेंट है डाइपोल मूवमेंट, और ये पोलर मॉलिक्यूल, पोलर मॉलिक्यूल भी, इसको मान लो H, इसको मान लो Cl, क्लियर है। और ये आपका परमानेंट डाइपोल, चलो मान लो ये भी है, इस दो एग्जांपल को लिया है, और ये आपका नॉन पोलर है, कुछ भी नहीं है यहाँ पे, नॉन पोलर कुछ नहीं है। इन दोनों की वजह से क्या हुआ, इसके पास हल्का 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 पॉजिटिव चार्ज आने लगा, क्योंकि ये नेगेटिव था, इसके पास हल्का वो नेगेटिव चार्ज, जिस वजह से ये क्या बन गया, इंड्यूस बन गया। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, पहले नहीं ये नहीं था, पर ये जब जैसे ऐसे हुआ तो इन दोनों के बीच में इंट्रैक्शन हो गया। यहाँ कुछ बना नहीं है बच्चों, पर यहाँ पे रहना चाहिए था फिगर में, इंड्यूस, और इस वजह से ये क्या हो गया, पहले नहीं था, पहले हटा दो, अब ये इंड्यूस हो गया, ठीक, इंड्यूस हो गया। देखो इंड्यूस डाइपोल नॉन पोलर मॉलिक्यूल, जैसा कि इस फिगर में भी आपको दिखाया गया है। आई होप आपको ये चीजें क्लियर है, अच्छे से पहले इसको नोट कर लो, ये मैं यहाँ पे स्टॉप कर दे रही हूँ, पहले अच्छे से मैं हट जा रही हूँ, उसको अच्छा सा नोट क्या नोट कर लो स्टॉप करके, हो गया। आगे चलते, अब क्या पढ़े हम लोग, अब पढ़ते हैं लास्ट वाला है, इंटेस्टेनियस इंस्टेंटेनियस डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरैक्शन। ओ इसी को कहा जाता है लंडर फोर्स, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अब इसका बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है, कुछ नहीं करना है, वही जो मैं एग्जाम्पल आपको ले रही थी ना नॉन पोलर, ये आपका H2 गैस है, ये सबसे वीक होता है, H2 गैस है, ये भी आपका क्या है नॉन पोलर, क्योंकि इसके पास भी कोई पोल नहीं है, ये भी आपका क्या है नॉन पोलर, और नॉन पोलर है तो यहाँ पे डाइपोल मूवमेंट आएगा ही नहीं, डाइपोल मूवमेंट तभी आता है जब कोई डाइपोल रहता है, ठीक है, कोई नहीं है, अब क्या करें बेचारे। अच्छा एक बात बताओ, ये जो हाइड्रोजन है ये एक तरह का परमाणु जैसे काम कर रहा है, ये एक एटम है, और एटम के पास क्या होता है, एटम के पास नाभिक होता है और इलेक्ट्रॉन होता है, मतलब इसका, इसके पास नाभिक भी इलेक्ट्रॉन भी है, अगर इसका सारा इलेक्ट्रॉन एक साइड आ जाए, मतलब सारा का सारा इलेक्ट्रॉन एक साइड आ जाए तो यहाँ निगेटिव हो जाएगा, और इसका भी सारा का सारा इलेक्ट्रॉन, ये भी बोल रहा है कि तुम अपने इलेक्ट्रॉन मेरे इलेक्ट्रॉन को साइड में रख दो, ठीक, और ये क्या कर रहा है, इसके पास जो भी नाभिक होगा और इसके पास जो भी नाभिक होगा ये सब एक साइड आ गए पॉजिटिव, तो उसी तरीके से ये क्या करेगा, अपने आप को इंड्यूस करेगा। ये अगर मान लो ये हम हटा देंगे ना, तब ये ऐसा नहीं होगा, ये एकदम नॉन पोलर की तरफ वो बना रहेगा, जैसे ही कोई बगल में, जैसे आप अकेले बैठे आप कभी भी अपने आप से तो बात तो करेंगे नहीं, अगर कोई भी इंसान बैठ गया, चलो मान लो वो कम ही बोलता पर कुछ ना कुछ तो बात होगा, ठीक, तो यहाँ पे नॉन पोलर है। अब इसको देखकर ये एच यहाँ पर आया, ये एच भी यहाँ पर आया, इन दोनों के बीच बॉन्ड बना, इसका सारा जो नाभिक होगा, सारा जो इलेक्ट्रॉन होगा, तो नाभिक सारा यहाँ पर आ जाएगा, इसको देखकर इसको, और इसका सारा इलेक्ट्रॉन यहाँ चला जाएगा, तो इस प्रकार का जो इंटरैक्शन होता है इन दोनों के बीच में, नॉन पोलर और नॉन पोलर के बीच में, इसको बोलते हैं लंदन फोर्स, क्या बोलते हैं, लंदन फोर्स या डिस्पर्सन फोर्स, समझ में आया, बहुत इजी था, और ये सबसे वीक होता है, क्योंकि नॉन पोलर के बीच में कब खत्म हो जाए पता ही नहीं। चलो स्टेटमेंट पढ़ते हैं, सो वी कैन से दैट लंदन डिस्पर्सन फोर्सेस आर द वीकेस्ट, सबसे कम, अगर मैं इसका ऑर्डर बताऊं 1, 2, 3 में, तो 1 वाला पहले है, अगर ऑर्डर में बताऊं तो आपको ध्यान देना, जो 1 वाला है सबसे ज्यादा स्ट्रांग है और 4 वाला सबसे ज्यादा वीक। अब 2, 3 में आपको डिसाइड करना है कौन ज्यादा स्ट्रांग रहेगा, कौन ज्यादा वीक। चलो मैं लास्ट में इसका आंसर बताऊं, इंटर मॉलिकुलर फोर्स है, क्योंकि दो अणुओं के बीच में लग रहा है, ठीक, एक ही अणु में नहीं लग रहा है, तो लंदर्स डिस्पर्शन फोर्सेस कैन बी डिफाइंड, ये अपने आप को डिफाइन करता है, एक्सप्लेन करता है, एज अ टेम्परेरी, कुछ टाइम के लिए अट्रैक्शन है, अट्रैक्शन फोर्स ड्यू टू, किसके वजह से आया, नॉन पोलर डाइपोल्स, जो ये डाइपोल बना है ना, टेम्परेरी जो डाइपोल बना है वो नॉन पोलर में ही बना है, इलेक्ट्रॉन के क्लाउड आपस में क्या हुआ, एक दूसरे से अलग हो गए, ठीक। आगे चले, अब देखो, When the electrons in two adjacent atom, जो electrons होते हैं अगर दो atom के साथ adjacent है, जैसे का मतलब ये H, इन दोनों के बीच में electron है,
आर डिस्प्लेस्ड इन सच अ वे, अपने आप पे डिस्प्लेस कर जाएंगे, मतलब मैं यहाँ पे खड़ी हूँ और मैं बार बार अपनी जगह से डिस्प्लेस कर रही हूँ, ठीक है, ये चीज, सच अ वे दैट द, इस प्रकार से जो एटम होता है गेट सम टेम्परेरी, इसी एटम के अंदर, इसी परमाणु के अंदर कुछ टाइम के लिए टेम्परेरी एक डाइपोल बन जाता है, ठीक, वो अपने आप से इलेक्ट्रॉन जहां मूव किया डाइपोल बना, दे अट्रैक्ट, तो ये अट्रैक्ट करने की कोशिश करते ईच अदर, एक दूसरे को, थ्रू द, किसके द्वारा, लंदन डिस्पर्सन फोर्स के द्वारा, दिस इंटर मॉलिकुलर फोर्सेस अकर बिटवीन, ये किसके बीच में हो रहा है, नॉन पोलर सबस्टेंस के बीच में हो रहा है, ड्यू टू दिस, और इसकी वजह से दे कैन कंडेंस टू लिक्विड एंड फ्रीज इन टू सॉलिड, और इसी वजह से इनको H2 गैस को भी हम लोग क्या सॉलिड में तो नहीं, लिक्विड में हम लोग ला सकते हैं, H2 नहीं, बहुत सारे ऐसे गैसेस हैं तो उसमें हम लोग थोड़ी देर के लिए उसको लिक्विड में ला सकते हैं, क्योंकि लिक्विड में मॉलिक्यूल, जो मॉलिक्यूल होता है और ज्यादा पास पास होता है, और सॉलिड में तो एक बहुत ज्यादा पास होता है, सांस लेने का भी जगह नहीं होता, ठीक है, इस तरीके से। तो ये आपका क्या है, लंदन फोर्स, आइए इसको देख लेते हैं, इसको एक बार देखो, ये आपका है नॉन पोलर, इसके पास देखो सारा निगेटिव यहाँ चल गया, पॉजिटिव यहाँ चला गया, अब देखो ये इंस्टेंटेनियस है, अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन, इसमें इलेक्ट्रॉन अनडिस्ट्रीब्यूशन है, मतलब सही तरीके से बांटा नहीं गया है, इंस्टेंटेनियस डाइपोल में, अब देखो ये यहाँ पे डाइपोल बन गया, एक निगेटिव एक पॉजिटिव, एक निगेटिव एक पॉजिटिव, तो ये सिर्फ क्या बोलूँ, नेबरिंग का मतलब पड़ोसी वाला, ठीक। तो यहाँ पे आपका टाइप्स कंप्लीट होता है। अब मैं जो मैं आपको क्वेश्चन पूछी हूँ, पहला वाला तो एकदम स्ट्रांग है क्योंकि वो आयन कर रहा है, आयन है और डाइपोल है, पहले से ही डाइपोल है और पहले से ही आयन है, तो ये तो सबसे ज्यादा स्ट्रांग है, इसको कुछ मेहनत ही नहीं करना पड़ा, ये दूसरा पढ़ते हैं, तो पहला वाला सबसे ज्यादा स्ट्रांग है, तो ये दूसरा वाला डाइपोल डाइपोल, मतलब दोनों आपका वो डाइपोल डाइपोल है, ये भी अच्छा है, ठीक है। अब थर्ड वाला पढ़ते हैं, क्या है वो, डाइपोल इंड्यूस डाइपोल, हाँ इस बात को समझो, दो डाइपोल, इसमें मेहनत नहीं लगा क्योंकि पहले से ही डाइपोल था, एक को करना पड़ा तो इसको थोड़ा सा वीक हो जाएगा। तो अगर मैं ऑर्डर बताऊं, अगर मैं यहाँ पे ऑर्डर ये लिखूं, आओ ऑर्डर ये लिखते हैं, कई बार एग्जाम में आता भी है 1 मार्क्स में, ऑर्डर ऑफ वॉन्डर वॉल फोर्सेस, इसका कौन सा ऑर्डर है, तो पहला आपका क्या आएगा, आयन, हाँ हाँ आप एकदम सही बोल रहे हैं, आयन डाइपोल, आयन डाइपोल इंटरैक्शन, जो एक आयन होगा और एक डाइपोल होगा, इसका मैं एग्जांपल भी अभी यहाँ पे लिख दूंगी। और दूसरे नंबर पे कौन है, दूसरे नंबर पे आपका है डाइपोल डाइपोल, क्योंकि इसमें भी कोई मेहनत नहीं करना पड़ा, इंटरैक्शन में बार बार नहीं लिखे, एक आपका डाइपोल है और एक आपका क्या है इंड्यूस, इसको करना पड़ा डाइपोल, इंड्यूस डाइपोल, और सबसे लास्ट में दोनों है क्या क्या नॉन पोलर, नॉन पोलर के बीच में, नॉन पोलर नॉन पोलर, इनके बीच में जो है, क्योंकि दोनों क्या नॉन पोलर है, ध्यान दो हमारी बात को, ये सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग, फिर ये, इसका एग्जांपल कोई देखे, आइए एक एक आपको पहले एक आप डाइपोल बनाओ, तो एक एच प्लस को यहां रख दो, सीएल को यहां रख दो, और ये ठीक, यहां पर ही बनाओ दो डाइपोल बना दो, सीएल एच, सीएल सीएल H। अब आपको एग्जाम्पल भी याद होना चाहिए, एग्जाम्पल के थ्रू ही बताना एग्जाम में, गलती मत कर देना, ना कटाए अगर तुम मेरा, चलो डाइपोल इंड्यूस डाइपोल, तो एक आप डाइपोल बना लो, इसका मैं यहाँ बना दे रही हूँ, एक तो आपका डाइपोल रहेगा और एक आपका इंड्यूस, अगर बोल रहा है इंड्यूस तो वो बाद में जाकर डाइपोल बनाना, तो अभी के लिए इसको बनाओ, यहाँ पर रखो सीएल को, यहाँ पर रखो एच को, और ये आपका कुछ नहीं है क्योंकि आपको इसको इंड्यूस कराना है, ठीक, तो ये हो गया। अब यहाँ पे दोनों को ऐसे बना दो, यहाँ पर एक छूट गया, आयन भी है ना, तो आयन को कोई ऐसा ले लो, चलो अब आपको क्या करना है, बस इंटरैक्शन दिखा दो, इसके बीच में, इसके बीच में, और
इन दोनों के पी के बीच में और इन दोनों के बीच में आपको देखने से ही लग रहा है ये नॉन पोलर है, ये नॉन पोलर है, ये डाइपोल है, ये डाइपोल डाइपोल है और ये डाइपोल है, ये आयन है। क्लियर है? इतने चीजों को पहले जल्दी से नोट कर लो, फिर उसके बाद एक लास्ट टॉपिक छोटा सा है, बस उसे पढ़ लो, खत्म हो जाएगा ये टॉपिक। ठीक है, समझ में आया ना? ये ऑर्डर याद रखना। चलो एक लास्ट चीज को पढ़ लो, बस खत्म खत्म। अरे टेंशन मत लो, चले जाना भाई घर, घर पर ही तो है, आप लोग पढ़ रहे हैं, खाना पीना खा लेना। चलो बस एक पॉइंट है, कई बार एग्जाम में आपसे ये पूछता है ना कि वैन डेर वाल फोर्स की वजह से होता क्या क्या है। तो मतलब अगर मान लो कि हम कुछ मॉलिक्यूल में कुछ चेंजेस कर दें, जैसे मान लो वैन डेर वाल फोर्स बढ़ाएंगे कैसे, तो आप क्या करो, मॉलिक्यूलर वेट बढ़ा दो। जैसे फॉर एग्जाम्पल H2 के मॉलिक्यूल्स हैं, मान लो 20 मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, तो उसका वेट थोड़ा कम है। अगर हम लोग 40 मॉलिक्यूल्स कर दिए H2 का, तो वहां पे बहुत ज्यादा वैन डेर वाल इंटरेक्शन होगा। अरे समझो मेरी बात को, दो है इसमें कम ही है, तीन चार ही है, तो यहाँ पे बताओ झगड़ा होने के चांसेस क्या है, कम है। यहाँ पे 20 है, झगड़ा होने के चांसेस ज्यादा है, ठीक 20 है। तो एक बात बताओ, बॉन्ड कहाँ ज्यादा बनेगा, वैन डेर वाल बॉन्ड वहां ज्यादा बनेगा जहां पे मॉलिक्यूल ज्यादा है। यहाँ मॉलिक्यूल ज्यादा है तो यहाँ पे बॉन्ड ज्यादा बनेगा। अगर मॉलिक्यूल ज्यादा तो उसका वेट भी तो बढ़ जाएगा, 20 लोगों का तो वेट तो बढ़ेगा ना। तो देखो वैन डेर वाल जो फोर्स है वो बढ़ेगा कब, जब आपका मॉलिक्यूलर वेट, आणविक भार या परमाणु भार आपका बढ़ जाएगा। एटॉमिक वेट या मॉलिक्यूलर वेट अगर बढ़ा देंगे तो आपका वैन डेर वाल फोर्स बढ़ जाएगा। क्यों? ड्यू टू इंक्रीजेस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, क्योंकि आपका वहां पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ रहा है। ठीक, आप इसका रीजन लिखेंगे, ड्यू टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। दूसरा पॉइंट, जो वैन डेर वाल फोर्सेस है क्या ये बॉइलिंग पॉइंट को बताते हैं? अच्छा एक बात बताओ, 20 लोग हैं, ठीक, अगर वहां पे सारे के सारे झगड़ा कर रहे हैं तो उनके बीच का जो माहौल है गर्म हो गया, ठीक है। अच्छा ऐसे समझो, कोई बात नहीं, वो नहीं समझ रहा है। अगर मान लो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ रहा है तो उसके बॉन्ड को तोड़ने में ज्यादा टाइम लगेगा। तो यहाँ पे देखो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ गया तो बॉन्ड ज्यादा तोड़ने में टाइम लगेगा। इस वजह से अगर बॉन्ड को ज्यादा तोड़ने में टाइम लगेगा तो उसको उबालने में, जैसे फॉर एग्जाम्पल पानी यहाँ पे कम है, यहाँ पानी ज्यादा है, यहाँ जैसे मान लो 1 लीटर है, यहाँ मान लो 25 ml है। अब बताओ इसको गर्म करने में ज्यादा टाइम लगेगा कि इसको गर्म करने में ज्यादा, इसको ज्यादा लगेगा। क्यों? क्या? क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ज्यादा है। अगर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ज्यादा रहेंगे उनके बीच के एक एक बॉन्ड को तोड़ना पड़ेगा। सब्जियां ज्यादा रहेंगे तो कटकर में भी टाइम तो लगेगा ना, खाना ज्यादा बनाना पड़ता है तो टाइम लगता है। तो यहाँ पे इसको हीट करेंगे, अगर इसको एनर्जी देंगे, ये आपका मान के चलो ये आपका 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे गर्म हो गया, मान के चलो अभी मान के चलते, पर इसको गर्म करने में आपको 100 डिग्री सेंटीग्रेड देना पड़ेगा। तो ये आपका क्या है, बॉइलिंग पॉइंट ही तो है, क्वथनांक तो है। तो इसका मतलब आपका अगर वैन डेर वाल फोर्स बढ़ गया, और वैन डेर वाल फोर्स बढ़ कैसे रहा था, मॉलिक्यूलर वेट की वजह से, अगर वो बढ़ गया, ये बढ़ गया, ये बढ़ गया, तो ये बढ़ गया, क्वथनांक बढ़ गया। अभी भी एक पॉइंट और है, वैन डेर वाल फोर्स सरफेस एरिया पर भी डिपेंड करता है। जैसे मान लो H2 ऐसे है, सब आपस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ये लगा रहे हैं, और एक आपका H2 ऐसे है, चलो बताओ किसके में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है? अरे इसके में ज्यादा सरफेस एरिया कवर कर रहा है ना, इसका पृष्ठ क्षेत्रफल ज्यादा है, इस वजह से वैन डेर वाल फोर्स भी ज्यादा लगेगा, और इसी वजह से ये सारी चीजें हो रही है। इस बात को ध्यान देना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 1 मार्क्स में MCQ क्वेश्चन में आएगा। जब भी मैं इस पेपर को जब सॉल्व कराऊंगी प्रीवियस ईयर के, तो ये सारे पॉइंट्स आएंगे और उस वक्त आपका दिमाग काम करना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे आपका टाइप्स ऑफ वैन डेर वाल फोर्सेस खत्म होता है। अब इसके अगले वाले में पढ़ेंगे परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर, हम लोग देखेंगे उसमें आपको बहुत सारे पॉइंट्स है। डाइपोल मूवमेंट है जो मैं बार बार आज बोल रही थी, यही मैं डाइपोल मूवमेंट पढ़ाने वाली हूँ। उसके बाद हम लोग फजांस रूल पढ़ेंगे, उसके बाद एक टॉपिक और है वीक केमिकल फोर्सेस क्या क्या है, फिर आपका एक लास्ट में टॉपिक था लैटिस एनर्जी, बस वो पढ़ने बाद ये यूनिट आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। पढ़ते रहिए, पहले वाला लेक्चर पढ़ लिया, उसको देख लिया, रिवाइज कर लिया, इसका अच्छे से नोट्स बना लो, इसको भी बढ़िया से रिवाइज करो, जहाँ पे इंपॉर्टेंट बोली हो वहाँ पे हाईलाइट जरूर कर देना, बार बार रिवाइज करके ही अगले लेक्चर में आना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।